हमारे घर के चारों तरफ आर्मी ने कब्र कर लिया था। तो मतलब कोई 5:30 का टाइम था, तो मैंने कहा चलो मैं जोत जगाती हूँ, तो मुझे उन्होंने रोक लिया। यानी क्या करने लगे, मैंने कहा जोत जगाने लगे, कहते रहने दो बाद में जगा लेना, यही कहा उन्होंने। हम सारी माम तुषार को बचा नहीं सके। तो मैंने कहा वो ऐसे जाने वाला नहीं है, ऐसे जाने वाला नहीं है, वो तो बहुत हिम्मत वाला है। वो लास्ट 30 जनवरी को आधे घंटे के लिए आया, देखते हैं ये लास्ट वर्ड उसने मुझे बोला। बीइंग पेरेंट्स तो पेन ही पेन है, तो जी, जैसे ऐसे समाज की तरफ देखें तो प्राउड भी होता है। जो यादें छोड़ गया बचपन की उसी को सजोए हुए हैं सारे बीत रहे हैं। मैंने उससे ज्योग्राफी की बुक ले ली, उसी ने ली, मैं वो आएगा तो लूंगा, जी लेकिन वो दिन नहीं आया। हम कोई फेस्टिवल नहीं मनाते, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑन सैक्रिफाइस फॉर इंडिया। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेगेसी ऑफ कैप्टन तुषार महाजन सर। तुषार महाजन सर 2016 में कश्मीर के पंपोर में जब 150 लोगों को हॉस्टेजेस बनाया गया था, उस वक्त उन्हें बचाते हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया। तुषार सर के साथ कैप्टन पवन कुमार सर 10 पैरा SF और लांस नायक ओम प्रकाश सर 9 पैरा SF, इन्होंने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तुषार सर के इस अदम्य साहस और वीरता को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और फाइनली आज वो दिन आ गया जब हम तुषार सर के घर पर हैं और उनके पेरेंट्स के साथ इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। तो चलिए इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो मैम, सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। मैम, जब से तुषार सर शहीद हुए हमारे लिए, उनके बाद तुषार सर बहुत ज़्यादा वायरल हुए, उनके उनको लगभग इंडिया के हर एक लोगों ने जाना, कुछ एक दो लोग बाकी हैं, तो मैं श्योर हूँ कि इस इंटरव्यू के बाद जो लोग बाकी हैं वो भी जान जाएंगे उनको। तो मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे और हमारे व्यूअर्स को तुषार सर के बारे में कुछ बताएं, कि जैसे तुषार सर का बैकग्राउंड कैसा था, मतलब उनके दिमाग में ये चीज़ फौज आया कैसे, और सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन फौज ज्वाइन करने के लिए उनको मिला कहाँ सर, और उनके बारे में कि कितना हट के उनका दिमाग चलता था, क्योंकि इतना कम एज में इतना सारा अचीवमेंट लगभग इम्पॉसिबल है इतनी कम एज में। प्लीज मैम, आप थोड़ा सर के बारे में हमें बताएं। को वो अपने मन की बात सबके सामने प्रकट नहीं करता था, उसके मन में कब से था ये हमें मालूम नहीं, लेकिन हमने इतना सुना कि जब वो छोटी क्लास में ही था स्कूल में, तो 8th 9th स्टैंडर्ड में था, तो वहाँ जब उनके टीचर्स ने उनको ये निबंध लिखने के लिए बोला, तो उसने आर्मी ऑफिसर के ऊपर लिखा। तो वो सब लोग हैरान हो गए कि बाकी बच्चों से पूछा कि किसी ने डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर, किसी ने कुछ, तो ये आपने आर्मी ऑफिसर क्यों लिखा जी? उसने मतलब एंड ये आर्मी ऑफिसर मतलब जैसे उसकी मैम ने हमें बताया कि उसने, और हम बहुत हैरान के, हमने उसी क्लास में सब बच्चों से पूछा कि आपको पता है आर्मी ऑफिसर क्या होते हैं, बच्चों सभी ने बोला कि हम नहीं जानते, लेकिन उसने बहुत अच्छा उस पर जितना भी लिखा बहुत अच्छा लिखा, हमें कुछ भी मालूम नहीं है, ये भी हमें उसके जाने के बाद मालूम हो। तो ऐसे ही उसकी मैम इस समय वो हुबली में है सेटल्ड, वहाँ बिजनेस करते हैं उनके हस्बैंड। उन्होंने मतलब जब ये 4th स्टैंडर्ड में, 3rd 4th में थे, तो उन्होंने लेटर लिखा श्वेत के, तो तुषार और इनकी एक और फ्रेंड थी मोनिका, स्कूल की, स्कूल की ये मतलब 3rd 4th स्टैंडर्ड के। उन मैडम की शादी थी, तो इन्होंने लेटर लिखा, 2 लाइनें तुषार ने, 2 लाइनें श्वेत ने, 2 लाइनें मोनिका ने, ऐसे अलग अलग कलर्स में, और 2-2 लाइनें सामने अपनी विशेष दी मैडम को। वो मैम ने वो लेटर भी संभाल के रखी थी, जब उन्होंने देखा तो इन्होंने पहचान लिया कि ये तो मेरा स्टूडेंट है, उन्होंने हमें वो लेटर पोस्ट की, उन्होंने अभी तक रखी, अभी तक वो लेटर अभी तक रखी। अब पहले तो ऐसे रखे थे, लेकिन अब ज्यादा संभाल के रखे, ज्यादा स्पेशल हो चुका है। कहते ये मेरा 1st और 3rd 4th के बच्चे, लेटर क्या होती है कुछ नहीं मालूम। और उस वक्त वो क्लास 3-4 में आर्मी के ऊपर आई वांट टू बी एन आर्मी ऑफिसर लिखते थे, शायद हो सकता कोई एक आधी लाइन लिख दी होगी उसमें,
मतलब ये चीज उनके दिमाग में थी उस वक्त। क्योंकि ये उधमपुर स्टेशन जो है ये आर्मी का हेडक्वार्टर है, नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर। जी तो बच्चे जो उनके क्लास में थे, कुछ फौज से भी थे, कोई एयरफोर्स से आ रहे हैं, तो बच्चों से ही उसको कोई प्रेरणा मिली है। हमारे घर में तो किसी पीढ़ी में भी कोई नहीं, आज तक कोई बैकग्राउंड कोई वैसा नहीं। हम नहीं तो है। सिविलियन है, बिजनेसमैन, मतलब जी ये शॉप वगैरह, मेरे ससुर, मेरा फादर वगैरह सब शॉप ही करते थे, कोई इससे आगे बढ़ के नहीं मतलब था। दूर दूर तक फौज से तो कोई कनेक्शन किसी नहीं। पीढ़ी में तक नहीं है, किसी रिलेटिव में नहीं है, दूर दराज के किसी रिलेटिव में भी नहीं है। ये फर्स्ट था जो हमारे फौज में गए। मुझे तो ये लगता है कि जो जिसकी फ्रेंडशिप सर्कल था, उसी उन्हीं से इसको थोड़ी प्रेरणा जी जी मिली हुई। क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड कैसा था सर का, पढ़ाई में कैसे पढ़ाई थे? में बहुत तेज थे, इनका था कि ये मतलब अच्छा है पढ़ाई में, पिकअप बहुत अच्छा है, डेडिकेशन बड़ी थी उसमें। मतलब जो उसने बुक लेके बैठना ना, ऐसे उसको पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत सारी उसने बुक्स इकट्ठी की थी। कहीं भी बुक फेयर लगता था वो जाता था लेने के, स्पेशली अपने पापा को लेके दिल्ली जाता था बुक फेयर में, मुझे बुक्स लेनी है। और वो ना डिटर्मिंड इतना था कि अगर उसने सोच लिया कि ये बुक मैंने 2 दिन में खत्म करनी है, एक दिन में, तो वो खत्म करके ही उठेगा, पहले नहीं उठता। पढ़ने का बहुत था उसको। ये कहते थे चलो कि दूसरी लाइन सिविल सर्विसेज में चले जाओ, IAS की ट्रेनिंग करो या जी कुछ। और वो कहते क्या है, मैंने फौज में ही जाना है, कहीं और नहीं जाऊंगा। हमने उसके 12th के बाद काफी जगहों के पेपर फॉर्म फिलअप करवाए, इंजीनियरिंग के करवाए, IAS के, लेकिन मान या तो मैंने उधर ही जाना है, मेरी सिलेक्शन हो चुकी है, मैंने अब कहीं नहीं जाना। तो आपको ये जब तैयारी करते थे सर, उस वक्त आपको ये बात नहीं पता थी कि तैयारी कर रहे हैं, आपको पता कब चला? हमें तो वही, जब हम एक बार पूना गए हुए थे, पूना से वापस आ रहे थे, तो उसने पूछा कि आप कब घर आओगे। मैंने कहा हम तो आ ही रहे हैं रास्ते में, कल तक पहुंच जाएंगे, तब तो जर्नी भी 2-3 दिन लग जाते थे ट्रेन में। जी तो कहते मैंने आपको एक न्यूज़ देनी है। मैंने कहा ऐसी कौन सी न्यूज़ आ गई जो नहीं, घर आएंगे तो बताएंगे, तो हमें थोड़ी सी क्यूरियसिटी होगी कि क्या न्यूज़ जी देनी है। मैंने कहा बता दो, इधर ही बता दो। कहते मैंने NDA क्वालिफाई कर दिया। हम हैरान हो गए कि आप एग्जाम कब दिया तुमने। जी तो फिर मुझे बताने लगा कि मैंने आपसे 50 रुपीज मांगे थे ना, वो मैंने फॉर्म फिलअप किया था, और मैं जब बुआ के घर गया था तो मैं एग्जाम देने गया था। मैंने अगस्त में एग्जाम दिया था उसने, और नवंबर में उसका रिजल्ट आ गया था, उसकी मतलब सेलेक्शन, NDA क्वालिफाई हो गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में रिटर्न जो था उसका निकल गया था। तो मतलब घर पे जब पढ़ते होंगे तो उस वक्त आप लोग देखते होंगे। नहीं, उसका ऐसा था कि वो जैसे मुझे बोल देता था कि मम्मा मेरे को सुबह ना 4 बजे उठा देना, जब 5 बजे उठा देना, तो मैं जब उठाती थी मुझे कहता था आप सो जाओ, मैं उठ गया हूँ, अब नहीं मैं सोऊंगा, आप सो जाओ, मैं चली जाती थी सोने के लिए। वो मतलब पढ़ता रहता था, सोता नहीं था। बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में सेट था। हाँ, जो बाद में हमें मतलब उसके 11th 12th 10th तक वो तो लिटो फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल में रहा, जी तो 11th 12th उसने KV-1 से की है, KV-1 उधमपुर से की है। वहाँ पे एयरफोर्स के 3-4 लड़के थे जो उसके फ्रेंडशिप सर्कल में थे, वो उनके साथ अक्सर उनके घर जाता था, वो लड़के इधर आते थे। जी मुझे तो लगता है उन्हीं लड़कों ने इसके ऊपर डाला प्रेशर इफेक्ट कि किया। हम NDA में जाएंगे, तो सबने एग्जाम दिए थे लेकिन सिलेक्ट कोई नहीं हुआ था उसमें। फिर एक लड़का सिलेक्ट हुआ दूसरी अटेम्प्ट में जाके, अच्छा सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये फर्स्ट में ही हो गया, एक लड़का अटेम्प्ट हुआ दूसरे में। स्पोर्ट्स में सर कैसे थे? स्पोर्ट में भी अच्छा था, शौकीन था हर चीज का, पढ़ना, खेलना, डांस करना, स्कूल में जैसे कोई भी एंकरिंग करनी, हर चीज में आगे आगे रहता था। श्वेती, तुमने आपको बताया होगा कि स्कूल में एक बार ड्रामा हुआ था, तो इसको जी छोड़ जी दिया था उन्होंने, जी तो इसमें कहता था कोई बात नहीं, आप स्टेज पे ड्रामा करें, मैं तो रियल लाइफ में करके दिखाऊंगा। यही वो मतलब उसका पेट सॉन्ग था, चल कर चले हम फिदा जाने जाना तन, चलते हैं। वो आते जाते गुनगुनाता रहता था। और इसी ड्रामे पे स्कूल में इनका प्रोग्राम हुआ था। तो कहता अच्छा है मतलब इनको उसने ऐसे कह दिया था उसी समय कि आप तो स्टेज पर ड्रामा करो, मैं तो रियल लाइफ में करके दिखाऊंगा। देशभक्ति स्टार्टिंग से इनके दिल में थी, आपने कभी रोकना चाहा उनको? हमें उसने अपने भाव ही नहीं उजागर किया तो रोकना कहाँ था, उसने कभी डायरेक्ट। माइंड सेट हमें बताया ही नहीं कि मैंने जाना है फौज। और जब लास्ट में अगर आपको जैसे NDA पास करने के बाद पता चला आपको, हाँ, तो ये कहने लगे कि चलो उसको अब इंटरव्यू के लिए वहाँ भोपाल में जाना था, तो कहते हैं कहाँ ये दुबला पतला है, ये कहाँ उधर क्वालिफाई है, चलो इसका मन रख लेते हैं, ले जाता हूँ। चले गए, उसको फर्स्ट टाइम तो वो ट्रेन में बैठा था, जी तो
भोपाल में गए, फर्स्ट दिन भी निकल गया, सेकंड भी निकल गया, थर्ड भी निकल गया, ऐसे उसने सारे दिन निकाल लिए अपने। तो फिर फोर्थ की फिफ्थ डे को उसने बोला, बाबा मैं मेरे सारे मतलब मैं क्वालिफाई कर गया हूँ और मेरा मेडिकल होना है, और मेडिकल के लिए 15 दिन का टाइम हो रहा है, तो आप चले जाओ घर पे। अच्छा, तो तब मैं सर बाद उनके में, साथ गए थे। अच्छा, हाँ तो ये आ गए फिर वापिस, रोहित तुषार सर वहीं पे थे। वो उधर ही रहा। अब वहाँ इनकी एक फ्रेंडशिप हो गई थी एक चाय वाले के साथ, तो उस लड़के को बोल के आए कि ये कभी गाड़ी में तो बैठा नहीं है, तो आप इसको बिठा देना अच्छी तरह से, तो हम जम्मू आके इसको ले। तब ट्रेन उधमपुर नहीं आती, शायद आती थी तो, लेकिन उधमपुर तक कुछ ट्रेनें डायरेक्ट नहीं थी, अच्छा, मैंने चेंज चेंज कर करके। करनी पड़ती। तो हमने कहा हम जम्मू आ जाएंगे इसको लेने के, आप बिठा। उस चाय वाले ने बहुत हेल्प की, उससे तो इतनी फ्रेंडशिप हो गई थी। जब भी घर आता था एनडीए से, मतलब छुट्टी ये 6 मंथ के बाद तो उनको ब्रेक होती है, जी घर आते थे 6 मंथ बाद, तो उसने ट्रेन पे इनके मिलने आना, खूब सारे उसको पैकेट वगैरह दे देने खाने पीने के लिए, बहुत उसके साथ अटैचमेंट हो। तुषार सर अपने जॉब प्रोफेशन को लेके कितना डेडिकेटेड थे ना? देखो वो उसने अपने बुक से हमें कुछ भी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया हमें, कैसे हम बताएं कि उसके मन में क्या था। कि उसने अब हमसे सीक्रेसी रखी हर बात की, कि मैं इनको बताऊंगा शायद मुझे जाने नहीं देंगे। टेंशन हो जाए। हाँ क्योंकि उसका बड़ा भाई भी बोलता था मैंने यूएस जाना, तो हम यही कहते हैं वो उधर निकल जाएगा तो इधर निकल जाएगा, घर में कौन है, जी एक को तो घर में टिकना है ना। वो तो डिटर्मिंट था यूएस जाने के लिए, वो भी फोर्थ फिफ्थ में पढ़ता था, तो तब से रट लगाई थी मैं यूएस जाना है, यूएस जाना, तुषार सर का माइंड यहाँ पर वो था। यहाँ पे था। हम तो यही कहते थे भाई आप रहने तो नहीं जाओ फौज में, कहते नहीं मैंने कहीं बाहर नहीं जाना, मैंने यही उधमपुर में ही पोस्टिंग है, इधर ही रहूंगा। लेकिन उधमपुर तो हेडक्वार्टर था, जी आते जाते जहाँ रिपोर्टिंग डालनी होती थी, रहना तो उन्होंने जंगलों में ही था। जी हाँ तुषार सर के नाम से कोई ट्रस्ट भी है? ट्रस्ट तो उसके जाने के बाद हमने 2017 में, मार्च 2017 में किया है, तो उसमें भी वैसे मतलब 3-4 एम्स रखे हैं ट्रस्ट के, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज, जहाँ दूर दराज के गांव हैं लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटी मिलती जी नहीं है, जी तो कोई सक्षम वहाँ नहीं होते पैसे से। पैसा भी नहीं होता, लोगों को इतनी जागरूकता भी नहीं है, जी आना नहीं चाहते बाहर। अब थोड़ा सा ये जो मोदी कार्ड बने हुए उनसे थोड़ा सा लोगों को पता चल गया, लेकिन आज से 2-4 साल 5 साल पहले नहीं था इतना भी। अवेयरनेस नहीं थी हाँ तो इतनी। हम जाते थे गाँव गाँव में, दूर दराज के गाँव में कैंप लगाते थे आईज का और एयर्स का, अच्छा, ENT। वहाँ हाँ ENT का। एंड तो उसमें जो मतलब जिनको तो सिर्फ मेडिसिन की जरूरत होती है उनको वहीं प्रोवाइड कर देते थे, अच्छा, और जिनके लिए मतलब कैटरेक्ट वगैरह होता, ऑपरेशन होता, वो हम ना जहाँ एक हॉस्पिटल है रोटरी क्लब की तरफ से, उनके साथ जॉइंटली मतलब करवाते। खर्चा तो हम लोग वेयर करते हैं लेकिन टीम उनकी जाती है, और अच्छा। उन्हीं के हॉस्पिटल में ऑपरेशन होते हैं। उनको फिर हम जहाँ लाते हैं जो पेशेंट होते हैं उनके साथ एक अटेंडेंट भी आता है, 2 दिन जितना भी उसने रहना वो तो हम रखते हैं। तो अगर हमें कोई स्कूल वाला ऑफर देता है कि हमारे स्कूल के बच्चे बहुत गरीब हैं उनको, तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। एक बार मतलब हम लोग सुने थे कि तुषार सर चेक पर साइन करके चल जाते थे हाँ अभी भी है मैंने रखे हुए कि मतलब उसके कभी चेक भी साइन जरूरत किए। हो तो हाँ आप उसको निकाल सकते और हैं। साथ में ना उसको जो साइन थे बहुत टफ कह लो आप, टिपिकल जी से थे वो, उसके खुद साइन नहीं मिलते थे बैंक में जाके, जी जब नेक्स्ट टाइम आता था उसके कई बार चेक बाउंस हो जाते थे, साइन नहीं मिलते थे, तो मैं उसे करवा के रखती थी अच्छा, इस चेक पे साइन करके जाओ, पहाड़ में रहना वहां क्या करने हैं अपने पैसे, मैं उसे निकाल लेती थी। जी। और लास्ट टाइम भी मैंने उसके मतलब फेब्रवरी में मैंने उसके पैसे निकाल लिए, वो मुझे बहुत दुख है। मैम, जब ये इंसिडेंट हुआ आपके पास ये न्यूज़ आया कैसे, और उस वक्त आप कहाँ पर थी, घर में ही थी हमने जहाँ रिपेयर का काम लगाया हुआ था। और ये न्यूज़ आया कैसे आपके पास? हम न्यू तो कोई 5 बजे के करीब इनको SM साहब का फोन आया कि तुषार सर को थोड़ी चोट लग गई है, थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, लेकिन वो एक्सपायर हो गए थे तब तक। उस वक्त हो चुके हाँ थे। उन्होंने बताया नहीं हमें, तो हमारे मोहल्ले में सब जगह न्यूज फैल गई थी, टीवी भी आ रही थी, लेकिन हमारा दिमाग नहीं जा रहा था। वो कभी बोल रहे थे तुषार महाजन, उसने कैब वाला वो फोटो डाला वायरल हुआ था उस समय, कैब वाला वो हाँ फोटो हमने देखा नहीं था उसका, तो हमने ध्यान, कभी वो तुषार कुमार बोले कभी वो तुषार गुप्ता बोले, हमने कहा और भी कोई हो सकता है, जी, मतलब हमारा उस तरफ नहीं, टीवी में न्यूज चल रही थी, मोहल्ले के लोग आ गए थे बाहर, लेकिन अंदर कोई आ नहीं रहा था, हिम्मत नहीं कर रहा था अंदर आने के लिए। एक दो सज्जन आए अंदर लेकिन उन्होंने बोला कुछ नहीं।
तो फिर जब हमें एक ने बोला आपको कुछ पता है तुषार का, नहीं जाना, सारी आर्मी आर्मी आ गई थी, सारी हमारे घर के चारों तरफ आर्मी ने कब्र कर लिया था हाँ घर। देख लिए थे। हाँ तो आर्मी बड़ी आ गई थी, तो लोग बच्चे जैसे छोटे होते वो आगे कि जहाँ सारी आर्मी आर्मी फैली हुई है, पता नहीं क्या बात हो गई, क्यों आर्मी फैली। तो फिर एक दो लेडीज भी आ गई अंदर, तो उन्होंने भी कोई बात नहीं की। इसमें मतलब कोई 5:30 का टाइम था, तो मैंने कहा चलो मैं जोत जगाती हूँ, तो मुझे उन्होंने रोक लिया, यानी क्या करने लगे, मैंने कहा जोत जगाने लगे, कहते रहने दो बाद में जगा लेना। फिर मैंने ना यूनिट में फोन किया, तो जो उनके एडजुटेंट था उसका मेरे पास नंबर था, मैं फोन किया, मैंने कहा क्या बात है आप सब ठीक तो? हाँ मैं आप सब ठीक है। मैंने मैं कुछ तुषार के न्यूज पता चली आपको, क्या बात क्या हुआ? ये तो कुछ मैम कुछ नहीं हुआ, नहीं हमें अभी कुछ नहीं मालूम है, उन्होंने सीक्रेसी रखी है कि हमें कुछ नहीं मालूम है, जैसे हमें पता चलता हम आपको बता दें। मैं हर 15-20 मिनट के बाद उनको फोन लगाऊँ, हर 15 वो यही जवाब दे कि हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं आई है, हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। लास्टली उन्होंने 7:45 बजे मुझे बोला मैम हम आपको 10-15 मिनट तक आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं। तो फिर SM की वाइफ भी थी उनमें, जो इनके CEO थे उस समय उनकी वाइफ भी थी, बाकी लोग तो आर्मी के थे सारे, कोई मतलब एक 31 RR के थे उसमें में, वो एक्चुअली कुपवाड़ा में इकट्ठे ही थे ये लोग, वो उस समय शहीद कर्नल थे वो भी, वो थे वो फर्स्ट, वही भी आए मेरे पास, एहसास हो गया होगा हम आपको। मुझे बुलाया उस कमरे में बैठे हम, तो यही कहा उन्होंने हम सारी माम तुषार को बचाएंगे। हमें फाइनली 8 बजे ही पता चला, तब तक तो मीडिया सारा बाहर था, लेकिन हम बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाए ना, हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये कुछ हो सकता है, हम बाहर निकले, हम बाहर निकले ही नहीं। एक हमारे घर में सर्वेंट ही समझ लो सामने रहता है मकान में, वो आया लड़का अंदर आया, तो मैंने कहा उसको शंकार करके नाम, क्या बात शंकार क्या बात, नहीं बस मैं ना जब बड़ा बिखरा हुआ सारा कुछ मैं इकट्ठा कर देता हूँ, उनको पता चल चुका वो सुन आया था, वो आके उसने उसने सफाई सफुई करने शुरू हो गया, लकड़ी का मतलब लकड़ी का काम लगाया था, तो वो जो गिरता ना पूरा वो इकट्ठा किया, सीमेंट वगैरह इकट्ठा किया, उसने भी कोई बात नहीं की, और तभी हमारे ब्रेन में नहीं आया, था। आप सोच ही नहीं सकते थे कि इंसिडेंट हो सकती है। हमारी ये मतलब रिपेयर वर्क चल रहा था, मैंने कर्टन उतारे हुए थे, मैं कर्टन लगाने लगी, एक साइड का मैंने लगा दिया दूसरी साइड का रह गया था, मैं कर्टन लगा देती, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे चाय बना के दो, तो मैं गई चाय बनाने, लेकिन चाय पी नहीं पाए, शायद इनको मतलब मेरे दिमाग में नहीं था कुछ भी, मैंने तो महसूस हो रहा। सोचा ही नहीं था उस तरफ कि ये कुछ घटना हो सकती, लेकिन ये चाय नहीं पी मैं। मैंने कहा आपने बनवाई फिर की पी क्यों नहीं, मेरा मन नहीं कर कुछ भी, मेरे दिमाग में तब भी कुछ नहीं था, मैंने टीवी भी बंद कर दिया था, मैं टीवी भी नहीं देख रही थी कि मैं न्यूज ही अच्छी तरीके से देखती, मैंने वो भी नहीं देखी। ये श्वेत केतु आया, एक फ्रेंड और आया इसके साथ, मैंने भी कोई बात नहीं की, फिर भी आपको मतलब दूर पता दूर तक ये विचार आया ही नहीं मेरे मन में कि ये कुछ भी हो सकता है, मुझे सुनने के बाद भी विश्वास नहीं था, जब उन्होंने बोला कि हम तुषार को बचाओ तब भी मुझे, मैंने कहा वो ऐसे जाने वाला नहीं, ऐसे जाने वाला नहीं है, वो तो बहुत हिम्मत वाला है, तब भी आखिरी बार कब बातचीत हुई थी आपसे फिर से? 30 जनवरी को जब घर मतलब मैं ऑफिस में थी, तो मुझे फोन किया कहाँ पर, मैंने कहा मैं तो ऑफिस में, रुक जाओ उधर ही मैं आ रहा हूँ आपको लेने के लिए, ऑफिस से लिया मुझे वो घर छोड़ दिया, 15 मिनट घर में बैठा, और जहाँ एक डिश है कलाड़ी करके बोलते हैं उसको, तो वो उसको बड़ी फेवरेट थी, तो मैंने घर में पड़ी तो मैंने कहा चल बना देती हूँ तो खा ले, उसने खाई नहीं, पेट अपने जगह नहीं है खाने, मुझे ठीक है नहीं ऐसे बच्चे खा आया होगा कहीं बात नहीं मरना, वो लास्ट 30 जनवरी को आधे घंटे के लिए आया, तो फिर उसके बाद नहीं गया, सही से मुलाकात भी नहीं हुई आखिरी बार आपकी। उसके बाद कोई मुलाकात नहीं, फोन हुआ 21 को, तो जो एपिसोड हुआ 20 रात को फोन किया मैंने, कोई 7 बजे के करीब, तो फोन पे तो हम ये तो बोलते नहीं थे कि कौन सी जगह पर, और हम यही बोलते हैं कि अगर बेस में होगा तो है नीचे, तो अगर पहाड़ पे होगा तो ऊपर, तो क्या कहाँ पर है, तो नीचे है ऊपर है, कहता नहीं नीचे, तो नीचे होता फिर हम बात कर लेते थे, नहीं होता फिर नहीं हम बात, ऊपर का बोले तो ऊपर तो वैसे फोन मिलता ही नहीं था, स्विच ऑफ होते थे उनके फोन, वहां पर वो तो फोन लेते नहीं,
8 के करीब मैंने बात की, मैंने कहा क्या क्या विचार है, आई कहीं जाना है? तो बड़े धीमे से बोला, देखते हैं, ये लास्ट वर्ड उसने, देखते हैं। पापा कहाँ है? मैं, पापा तो बाजार गए हुए, कब आ रहे हैं? मुझे तो पता नहीं। मुझे अब गेट की आवाज आ गई, मैंने कहा लगता आ गए, रुक मैं लाती थी। बस एक दो बात इन्होंने पूछी, इनको भी उस इन्होंने पूछा मौसम कैसा, सर्दी बहुत हो गई, तो उल्टा ऐसे बोला नहीं जहाँ तो बहुत गर्मी है। बस ये इनको लास्ट वर्ड बोला और मुझे यही बोला, देखते हैं। उसके बाद दोबारा कभी नहीं सुनता है। उसी रात को उन्होंने कुपवाड़ा से उसको लिफ्ट या लिफ्ट कर लिया था, हमें कुछ नहीं। तुषार सर को लेके मैम प्राउड तो बहुत ज्यादा है आपको, बहुत ज्यादा, लेकिन एक वक्त ऐसा आता होगा जहां पर आपको पेन कहीं ना कहीं प्राउड से बहुत ज्यादा ऊपर दिखता होगा। बीइंग पेरेंट्स तो पेन ही पेन है, जी तो जैसे ऐसे समाज की तरफ देखें तो प्राउड भी होता है कि कुछ करके गया है, तो अपना सोचते हो तो पेन ही। इतने बड़े घर में आप और सर सिर्फ अकेले। पर मुझे महसूस नहीं होता मैं अकेली, मुझे लगता मेरे साथ साथ ही आगे पीछे चला, मैं जहां भी बैठती हूँ मेरी नजर या उधर बैठूंगी तब इधर पड़ेगी, सोफे पे बैठूंगी तो उस तरफ पड़ेगी, इस साइड बैठूंगी तो अपने रूम में पड़ेगी, तो मैंने चारों तरफ उसके फोटो रखे हुए, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं आगे गया हुआ है, मुझे लगता है ऐसे ही मेरे साथ ही, फील नहीं होता मुझे अकेली। वो पुरानी सब चीजें दिमाग में फ्लैशबैक नहीं, फ्लैशबैक तो होता है सब कुछ, कैसे संभालते हैं फिर अपने आप को? बुला थोड़े सकते हैं पल। वही तो चार सर, आपको बोल्ड भी कहते थे, किस वजह से बोल्ड कहते थे आपको? मुझे अब भी आता था ना यूनिट से, तो छुट्टी मोस्टली तो दिसंबर में ही आता था कैजुअल लीव पे, तो आके उसने लेट जाना, मतलब बेड पे लेटना, सिर मेरी टांगों पे रखना, बोलना तेल लगाओ बालों में, जी उसको ऐसे ऐसे करती रहती थी बालों, तो खुश होता था। तो ऐसे ही ना एक मतलब कोई जाने से 6 मंथ पहले ही समझ लो, जब भी ऐसे ही बात बोले, मम्मी मेरी बोल्ट है, मम्मी मेरी बोल्ट है, पापा तो ऐसे ही छोटी छोटी बात पर वो पड़ते हैं, दिल बहुत छोटा है, मम्मी मम्मी तो बहुत बोल्ड है, बस ऐसे ही करते रहना। मैंने उसके बालों को ऐसे देखा, उसने अभी मैं भी नहीं ना उसका मीनिंग समझ सकी, ये मुझे क्यों ऐसे बोलते हैं, जी मैं भी नहीं समझ कहीं ये सकी, कोई इंडिकेशन था? था तो इंडिकेशन नहीं लेकिन मैं समझ नहीं सकी। जब मुझे ऑफिस से घर लाया, बड़ी स्पीड में वो बाइक चला रहा था, बहुत तेज चला रहा था, मैंने कहा थोड़ा धीमे चलाओ, हाईवे है तो धीरे चलाओ, कहता नहीं गिराता आपको, मैंने कहा मुझे गिरा दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर खुद नहीं गिर रहा, ये नहीं पता वो 1 महीने के अंदर अंदर ही गिर जाएगा। तो भी हमेशा के लिए। तुषार सर कितने अच्छे ऑफिसर थे, ये पूरा आज के वक्त में पूरा का पूरा इंडिया जानता है उन्हें। कितने अच्छे फ्रेंड हैं ये भी हम लोग देख चुके हैं। कितने अच्छे बेटे थे मैम वो। वो अपने जो मतलब उसके जो कुलीग थे ना, जो उसके बड्डी थे, वो उनके साथ वो बिहेवियर नहीं करता था कि ये मेरे से मेरे सबॉर्डिनेट अंडर मेरे हैं नीचे तो मैं इनके ऊपर बॉस हूँ इनका, वो इस तरीके का बिहेव नहीं करता था, वो सबको इक्वल समझता। कई बार जाती थी मैंने देखा उसको अपना सामान खुद उठाता था, मैंने कहा जैसा इतने चल रहे इनको देना क्यों नहीं देता, खुद उठा रहा है, अपना काम खुद करना चाहिए, ये भी तो इंसान है हमारी तरह, क्यों देना इनको, खुद करना चाहिए। उन मतलब ये तो मैंने सुना कि एक बार ना उसकी बाजू में चोट आई थी, जी। तो पता नहीं अब गोली लगी थी या कैसे आई थी, ये उसने हम हमसे छुपाया हुआ, हमें नहीं बताया हुआ, लेकिन हमें पता चल, मैंने ऐसे ही एक दिन बोल दिया कि मैंने कहा ये 6 मंथ से इधर बैठा है, इतनी देर तो रुकते रहते नहीं है, तो ये क्या बात है? कहते नहीं जी वो एडजुटेंट की पोस्ट पे बैठा हुआ। मैं क्यों? फिर कहता आपको पता नहीं है, जिस लड़के से मैंने बोला, कहता आपको नहीं पता? मैं नहीं, क्यों? उसकी बाजू में चोट आई हुई है ना, तो वो उसको इधर रखा हुआ है, जब ठीक हो जाएगा फिर उसको भेज देंगे, जी बाजू में चोट है। ये इंसिडेंट आपको पता नहीं नहीं थी? हाँ मैंने सुनाया, फिर घर आया एक दो बार, फिर मैंने पूछा उसे, नहीं नहीं कहा देखो मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, कहाँ चोट ही नहीं है चोट बस। तो वो लड़के मतलब उसके सुनाते हैं कि जब वो अपनी मतलब उनकी मैस ऑफिसर मैस तो अलग है, जेसी उसकी अलग होती है, जी तो अपनी मैस से निकल के आना, तो जो कोई मतलब लड़के मिल जाए रास्ते में, तो जो खा रहे हो किसी की, हर एक की प्लेट से उसने एक एक बाइट उठा लेनी, मतलब खाना अपनी प्लेट लेके नहीं खाना, आप खा रहे हो आपसे निकालिए, उससे निकालिए, उनसे जो जो भी खा रहा, हाँ मैं जा रहा हूँ आप रेस्ट करने के लिए सोने के लिए जाओ, तो मुझे उठाना नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना, ये बोल देना।
ये परहेज नहीं था कि मैं मतलब इनसे क्यों खा रहा हूँ। ये मतलब जो उसके साथ जिन वो लड़के सुनाते थे आके कि हमारी प्लेट से एक एक ऐसे उठा के खाते, वो घर आता घर भी यही करता था, मेरी प्लेट से उठा के खा रहा है, इनकी प्लेट से उठा के खा रहा है, अपनी रोटी लेके नहीं बैठता था, संतुष्टि से नहीं बैठता। हम कहते हैं संतुष्टि से खा, आराम से खा, जितना मजा मुझे ऐसे आता है ऐसे अपना लेके खाने में नहीं आता। उसने कभी अपने मतलब सबॉर्डिनेट्स को कभी सबॉर्डिनेट्स नहीं समझा, अपने इक्वल समझा। तो मैम, जब आप नेशनल वॉर में बोले, आप जब जाते होंगे तो वो पेन तो आपको अंदर जाते ही समय स्टार्ट हो जाता होगा। वहां पे सबसे ज्यादा पेन आपको तभी होता होगा जब आप तुषार सर के नाम को देखते होंगे। तुषार को तो देखते हैं, तुषार के साथ भी तो बहुत गया है, उसका बड्डी गया है ओम प्रकाश, जी उसकी दो बेटियां, इन टच में है वो लोग, दुख तो होता है। सबसे ज्यादा तुषार सर की कौन सी चीज आपको याद आती है मैम? वो उसका वही गाना मेरे कानों में गूंजता रहता है हर वक्त, घर चले हम फिर, वो यही वर्डिंग घूमती रहती है। शौकीन था, गाने का शौकीन था, घर आता था तो उसने मतलब फुल वॉल्यूम पे टेप रिकॉर्डर को छोड़ देना, और अपनी पहचान बना ली थी आस पड़ोस में, तो वो सभी कहते थे, हम घर में उसको छोटू बोलते थे प्यार, तो सभी कहते छोटू आया, लगता आज उनका छोटू आया हुआ, पूरी पहचान रखी थी मतलब घर लोगों ने पहचान लेना कि उसने उनके घर से आवाज आ रही है, फुल वॉल्यूम छोड़ा होगा उसने। गाने के शौकीन थे सर। पंजाबी गाने, हम पंजाब जहाँ सरदार लोग बहुत रहते हैं आसपास, पंजाबी गाने लगा के रख देने, दूसरे लगा के रख देने, मैंने बोलना, मैंने कि घर है कोई कोई सिनेमा हॉल थोड़ा, इतनी आवाज है गूंज रही है, सुनाई भी नहीं दे रही है एक दूसरे की बात, कम करो। नहीं, वो थोड़ी देर के लिए जरूर रखेगा, जब सबको पता चल जाए फिर तब फिर हटता करता। सिग्नल देते थे। हाँ, मैम, आपको खुशी कितनी हुई थी जब तुषार सर के शोल्डर पे आपने जब स्टार देखा पहली बार? खुशी नहीं होती अभी यार, खुशी वाली कोई खुशी नहीं होती है कभी भी, बस उसकी जाग है। हमारा घर सूना हो गया उसके बिना, अगर तुषार सर 1 मिनट के लिए अगर आपके पास आते हैं, आपको मौका मिले, तो आप क्या कहेंगे उनसे? जो कुछ बाकी मैं रह तो यही गया। कहूंगी जिस अगला जन्म है ना मुझ जैसी मां मत बनना, ऐसी जगह जन्म लेना जहाँ सब खुद भी सबको प्यार दे और अगलों का भी ले, मुझे ऐसी माँ मत। थैंक यू सो मच सर, अपना हमें कीमती वक्त देने के लिए। पोर्ट्रेट आपको कैसा लगा तुषार सर का? सर बहुत सुंदर बनाया है, और मैं तो उसको बनाने वाले को भी धन्यवाद दूंगा, और आपका तो धन्यवाद है जो इतनी दूर से उठा के लाए हो यहाँ पर हमारे पास थैंक और यू, हैंड ओवर किया है। थैंक यू ये मुझे लगता है कि आपका प्रेम ही है तुषार की तरफ जी। जो खींच के हमारे पास ले आया। डेफिनेटली सर, इतने बड़े घर में सिर्फ आप और मैम रहते हैं, कितनी ज्यादा याद आती है आपको तुषार सर की? अपने दुखती हुई रग छेड़ दी है, जी मजबूरी है, क्योंकि जो इसका बड़ा भाई है वो बाहर होता है, जी और दो ही बेटे थे मेरे, जी उसके जाने के बाद मेरी माता जी भी चली गई, अब हम दोनों अकेले हैं। जी अकेले मैं आपको बताया, एक आइसोलेशन में तो फीलिंग्स ऐसी आती है, जी अगर वो होता, उसका परिवार होता, कितना अच्छा होता, वो होता, ये होता, तो हमारा भी मन लगा रहता, लेकिन अब है नहीं कुछ भी, तो इसलिए हमने मतलब कि हम रियलिटी के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है। तो भाई, याद तो भूल नहीं सकते हमारे, जब तक हमारा जीवन है इस धरती पर, और वो ऐसी यादें छोड़ गया है जो कि नहीं भुलाई जा सकती। 16 साल की उम्र से ये चला गया था यहाँ से, 16 17 17 की एज में तो उसने ज्वाइन कर लिया था NDA, तो हमारे पास बहुत थोड़ा चीज रहा, और जी उसके बाद तो जो यादें छोड़ गया बचपन की, उसी को से जोए हुए हम सारे बीत रहे हैं। अभी तक सर, आपके नजर में तुषार सर के संग सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा रहा आपके साथ? हमारे हिसाब से बेस्ट मोमेंट वही होती है जब वो खुश होता है, क्योंकि एक उसका सपना था कि मैं आर्मी में ऑफिसर बनूं जाकर के, जो उसने
हर अटेम्प्ट में, पहली अटेम्प्ट में ही हर मरले को पार किया, जी हर स्टेज को पार किया, और यस वो बहुत खुश था उस दिन। और उसी की खुशी जो थी हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी थी। दूसरी जो उसकी खुशी मैंने देखी कमीशनिंग के वक्त, और तीसरी जब वो उसने पैरा में ज्वाइन किया जी और पैरा को के प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीट कर लिया, तो वो बहुत खुश था। पैरा शायद उसका ड्रीम था, जी हम तो सिविलियन फैमिली, हमें तो पता नहीं था पैरा क्या है और आर्नरी फोर्स क्या है, जी ये तो बाद में पता चला। लेकिन उसने ये ड्रीम पहले ही संजोए हुए थे और उसके पूरा करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बचपन तो पता है हर बच्चे का अपना होता है, और उस बचपन की यादें तो रहती हैं। कभी जन्मदिन मना रहे हैं, कभी उसको स्कूल में छोड़ने जा रहे हैं, कभी वो रूठ रहा है, कभी उसको डांट पड़ रही है, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ जी है ना। तो मैं कहूंगा ये बहुत अच्छी मोमेंट थी, और जब उसने नईन पैरा को ज्वाइन किया, क्योंकि मैं जो समझता था कि पैरा वो होते हैं जो खाली वो हेलीकॉप्टर से या एयरक्राफ्ट से जंप करते हैं, वो जी पैरा ट्रूपर्स हो गए। लेकिन यहाँ पैरा ट्रूपर्स कुछ और ही है, स्पेशल फोर्स है, एलीट फोर्स है। जी इसका पता तो हमें शायद उस वक्त भी नहीं लगा, बाद में ज्यादा लगा, उसके सही जाने के बाद जाने के लगा, बाद क्योंकि अपने ये फौज के बारे में कोई भी बात जो है नहीं करता था, ओपन ओपन और बात नहीं करना बात पसंद करते घर थे। में भी नहीं करता था। है कई दफा उसकी माँ पूछती थी वहां क्या करते हो, बस सैर सूर करते हैं और क्या करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम वो श्रीनगर ही रहा ट्रेनिंग पीरियड को छोड़ करके, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग भी बहुत हुई है। उसके माहौल में चला गया, बेलगाम में चला गया जहाँ पैरा की ट्रेनिंग होती है, स्पेशल कोर्स होता है, जी कोची में चला गया जहाँ वो डाइवर्स का कोर्स उसने किया। और आपको ये बताऊँ कि कभी जिंदगी में यहाँ पे उसने वो नहीं की, ना डाइविंग की ना स्विमिंग की, जी लेकिन ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट डाइवर, सी डाइवर। ये उसने अचीव किया अपने जी हार्डवर्क से। सर, बेसिकली तुषार सर के जाने के बाद बहुत सारे लोगों को इनकी रियलिटी पता चली, जी किस तरह के सोल्जर थे ये, इनका क्या क्या योगदान रहा हमारे कंट्री के लिए। और सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे और मेरे व्यूअर्स को तुषार सर की कुछ वीर गाथा सुनाएं, एक दो ऐसी कहानी सुनाएं सर जो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए प्रेरणादायक हो, तुषार सर के साहस को बताता हूँ। मैं तो ये बताऊंगा कि एज ए आर्मी ऑफिसर मुझे तो पहले कुछ मालूम नहीं था, सीधी सी बात बताऊं जी तो। एक दो दफा मम्मी ने उसको पूछा कि आप मिलिटेंट देखे हैं, मैं मुझे नहीं पता कौन से होते हैं मिलिटेंट है? जबकि उसने कई नंबर ऑफ ऑपरेशंस में पार्ट लिया हुआ जी है और सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए हैं। और एक सर किस्सा था जो चिनाब रिवर का एक किस्सा था। हाँ देखिए, चिनाब की उसने आगे भी डाइविंग को की हुई है, जी और एक दफा तो उसने जहां पे रामबन है, जहां पर चिनाब बहता है, जी तो वहां पे एक जो ये जो होता है रोड कैरियर, जी ये उसमें चला गया। चिनाब बहुत गहरा है, जी बहुत कोल्ड वाटर है, और आज तक यही रिकॉर्ड है जो उसके अंदर जाता है बाहर नहीं निकलता है, दिस इज ट्रैक रिकॉर्ड। और बहुत से केसेस में तो डेड बॉडी मिलती नहीं है। इतना हाँ हो सकता है यहाँ पे गिरे तो डेड बॉडी जाकर के 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर आगे 50 किलोमीटर मिले, इतना भाव भी उसका बड़ा तेज है। तो इन्होंने अपने जो सिविलियन डाइवर्स होते हैं उनको लगाया, लेकिन वो कहे हमारा बस का रोग नहीं है। फिर उन्होंने मालूम किया कि कौन कौन सा का, ये एक सी डाइवर है हमारे पास पैरा के, वो जी तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने पैरा को कहा होगा, तो ये डिब्यूट किया गया जी कि क्योंकि आगे भी इसने डाइविंग वगैरह की हुई है इसके अंदर। जी तो ही वेंट, तो पहले दिन तो वो
खाली वो खड़े होते हैं जो ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा करके और ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पे बांध करके, वो भी जो 10 किलो का होता ही है, जी और कुछ इक्विपमेंट ले करके पहले अटेम्प्ट में वो कुछ ना ट्रेस कर सके। अच्छा, फिर दूसरे दिन भी अटेम्प्ट की, वो भी नहीं ट्रेस कर सके। जी फिर थर्ड डे जा करके वो एक साइड में बॉडी जो पड़ी हुई थी रिवर के अंदर ही, जी पत्थरों के बीच में अटक गई थी। तो जो उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे वो डिटेक्ट करते हैं, तो उन्होंने डिटेक्ट की बॉडी को और खुद ही उठा करके अंदर ओरिजिनल लानी थी है? तो उसने अपने बॉडी के ऊपर उसे पिकअप लिफ्ट किया और बाहर निकाला। तो इमेजिन करें, एक तो पहले तो इतना वजन अपने पीठ के ऊपर है, इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट्स हैं, और फिर उस डेड बॉडी को उठा के लाना। तो मैं समझता हूँ कि काफी एडवेंचर्स है एक तरह। और बाहर आकर उसने बॉडी हेड ऑन की, तो लोगों ने बहुत इसके स्लोगन्स किए, जिंदाबाद ये वो, और बॉडी दे करके वहां से वो चला गया, निकल गया बिना किसी नोटिस के। तो लोग बाद में उसको ढूंढे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी आए कि वो कहाँ पे है, हम जरा उसका थैंक्स तो करें, लेकिन वो तब तक वो चला गया था वहां से। सर को क्रेडिट लेना पसंद नहीं था, क्रेडिट लेना पसंद नहीं करते, स्पेशली शायद ये 9 पैरा की एक खासियत, हाँ आदत है उस, ये तो चाहता नहीं था कभी भी मेरा नाम वहां पे कोई आए। मैंने नहीं आज तक, और ये हमारी बदकिस्मती भी समझ लो कि हमने कभी उसको ड्रेस में नहीं देखा, फुल ड्रेस में कभी नहीं देखा है। कभी घर आए यूनिफॉर्म में? कभी कभी, इतने साल के सर्विस में कभी भी नहीं? वो घर में रहता ही नहीं था एक्चुअली, यहाँ होते हुए भी नहीं आता था। जब हम कहते हैं संडे को भी आ जाए घर में, कभी कभी हो यहाँ पर, तो पहले तो उसका एक्सक्यूज है मैं बाहर हूँ। जी अगर होगा भी तो फिर कहते थे कि मैं छुट्टी में थोड़ा हूँ, कि मैं घर पास में रह के भी आते नहीं थे संडे में, मैं छुट्टी में थोड़ा हूँ, छुट्टी होगी तो आऊँगा। इवन की मार्केट में भी आते थे वो, मार्केट में अपने कुछ काम कर के लिए जी। बुक है बलिदान की, उस बुक में आप इसकी कुछ एपिसोड जो है जरूर पढ़ें, सपना पांडे मैडम ने लिखी हुई है, और उसमें बहुत से ऑपरेशन जो है इसने किए हुए हैं, जो कि ऑपरेशन बताई जा सकती है वो मेंशन्ड है। जी एक ऑपरेशन में जहां उसका नाम तामीर था, ये अपने आप को वहां पे उसने किया हुआ है, एक मिलिटेंट सी अपने आप को प्रेजेंट किया हुआ है जी। और ये लोगों के घरों में बहुत पॉपुलर था कि ये मिलिटेंट है, ये तामीर मिलिटेंट, तो ये वहां के सरपंच वगैरह जो थे वो मिले होते थे मिलिटेंटों के साथ। अब इन्होंने इनको पकड़ना था, तो जब उनके घर में चले गए, वहां पर इस तरह का वहां पे एपिसोड लिखा है कि काफिर आते हैं या नहीं, क्योंकि ये हम लोगों को काफिर कहते हैं जी, है ना, ये काफिर आते हैं नहीं, देखे काफिर कभी चाचा, वो बुढ़ा आदमी था चाचा, कभी काफिर शावर आते जाते हैं नहीं। तो उसने कभी कभार, अब कम ही दिखते हैं, कभी कभार कोई आता है, तो उसने उसका इतना कॉन्फिडेंस विन कर लिया है, और ये भी पता कर लिया कि यहाँ पे कब कोई मीटिंग होगी, कब लोग आएंगे, पूरी डिटेल्स, पूरी डिटेल, मुझे मिलना है उनके साथ, मुझे मिलाना, कन्विंस कर लिए, हाँ ये विश्वास करवा दिया कि मैं जो हूँ मैं आप ही का हिस्सा हूँ जी। तो जब वो दिन आया, तो इसने और अपने यूनिट को वैसे इन्फॉर्म किया, तो जो मिलने का वो टाइम आया, तो ये गया वहां पर, ट्रैप जो ऑलरेडी था जी, तो उन सबको पकड़ लिया गया। तो वो लोग तुषार सर, वो लोग लेके इंडिया आए फिर, या वहीं पर ट्रैप कर लिया? नहीं, वहीं पर घर बांडीपुर का एरिया है जहां पर। अच्छा, इस तरह का है जहां पर उसने ट्रैप किया उनको।
ये पूरी घटना वो बलिदान बुक में ये बलिदान बुक में मेंशन्ड है। जो मैंने बताई है एक चिनाब वाली, वो भी इसमें मेंशन्ड है। अच्छा, और भी घटनाएं हैं जो इसमें मेंशन्ड है, बहुत सी घटनाएं, क्योंकि इनकी 9 पैर की गोस्ट ऑपरेशंस होती हैं, जी है ना जी। तो इन गोस्ट ऑपरेशन के कारण हमें अलो नहीं किया जाता कि हम बोले। तो ये अपने आप में एक बहुत बोल्ड था, बहुत बड़ा बोल्ड था। और इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, वही था कि या तो वीर गाथाएं वो पढ़ता था, जी शिवाजी महाराज की, जी महाराणा प्रताप की, और भी जो हमारे आजादी के दीवाने हुए, भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह उसका आइकान था, उसका वो बहुत ज्यादा मानते थे है। हाँ, तो उन्हीं से उसको प्रेरणा मिली। वो युग जो था, वो जमाना जो था, जब तुषार बहुत छोटा था, J&K में मिलिटेंसी बहुत बहुत ज्यादा, ये बम एक्सप्लोजन होते थे। एक दो दफा केसेस में ऐसा भी हुआ कि पैसेंजर को उतार करके हिंदू मोहम्मद अलग अलग किए, फिर हिंदू को शूट कर दिया। ये हुआ इंसिडेंट। बिल्कुल हुआ। तो उसका, क्योंकि ये न्यूज जरूर सुनता था, न्यूज पढ़ता जरूर था, तो उसका भी इम्पैक्ट उसके ऊपर था। जरूर तो कहता था, मुझे पूछता था, क्यों मेरे से ज्यादा अटैच था, जी। कि ये क्यों ऐसा करते हैं। मैं, ये पागल लोग होते हैं। क्या कहता मैं उसको, जी मैं बड़ा होकर इनको छोड़ूंगा नहीं। वो भी हो सकता है, एक कारण हो सकता है, वीर गाथाएं पढ़ना, टीवी जरूर दिखता था, लेकिन ये फजूल के नामे नहीं, जो आजकल आजकल की यंग जनरेशन देखती है, वो नहीं जी देखता था। जो भी आते थे उसको, युग वगैरह तो ड्रामा था, इन जिसमें आजादी की लड़ाई की थे, दूसरे थे, ये देखता था वो। जी तो शायद उन्हीं से उसको प्रेरणा मिलती थी कि मैं क्या कर सकता हूँ इस दुनिया में इस चीजों के लिए। तो मैं शायद क्या उसने योगदान दे सकता उसने यही सोचा होगा कि मैं आर्मी फोर्स को ही ज्वाइन करूं। जी। मजाकिया टाइप का था बहुत, जहां बैठेगा अपनी नोटबुक बना के रखेगा, जी स्टूडियस भी था। जो पढ़ाई में कैसे थे, हाँ, पढ़ाई में कैसे थे। पढ़ाई में बहुत लाइक था वो। तभी तो मैं यही चाहता था, अगर मैं पर्सनली पूछा, मैं यही चाहता था कि वो UPSC एग्जाम में चला जाए, UPSC करे। जी मैं भी नहीं चाहता था इंजीनियर डॉक्टरी करे वो, हालांकि वहां पे कई लोग कहते हैं। मैं भी यही चाहता था कि ये UPSC एग्जाम करे, सिविल सर्विस को क्रैक करे, क्योंकि उसमें इतना कैलिबर था, हर टेस्ट में तुषार आगे। सर, तुषार सर सबसे यंगेस्ट एनडीए ऑफिसर थे, हाँ, साढ़े उसके सोलह हाँ साल की एज में। साढ़े 16 जैसा आ रहा हूँ इसी साल। तो इनके अंदर इतना तो कैपेसिटी होता कि अगर वो चाहते हैं तो UPSC क्रैक कर सकते। बिल्कुल, बड़ी कैपेसिटी थी इसकी, और मुझे इतनी उम्मीद भी है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में UPSC क्रैक कर लेता। जी सर, तो जनरल नॉलेज बड़ा हाई था, जियोग्राफी का बहुत अच्छा था डेफिनेटली उसका। मोस्ट। और आपको एक बात बताऊं कि जिसने ये इंसिडेंट होना था, जिनको एक लड़का आया मेरे पास, वो जो MBA करते हैं ना, जी उनको कुछ टास्क दिए जाते हैं कि आप ये चीजें बेच के आओ, ताकि उनकी सेल्समैनशिप को देखा जाए। जी तो एक मेरे पास बुक्स लेके आया, ये ले लो आप। फिर मैं पूछा, तो आप क्यों बेच रहे हैं बुक्स, मैं MBA का स्टूडेंट हूँ। मैंने उससे ज्योग्राफी की बुक ले ली, अच्छा उसे ले ली, मैं वो आएगा तो दूंगा, जी। लेकिन वो दिन नहीं आया। ये फरवरी की बात है। हाँ, मैं अक्सर दिन को नहीं सोता हूँ, 99.9%। जी मैं सोता नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आती दिन को। मैंने उसी, और उस दिन मैं वहां पे सोफे पे 5:30 की बात है, या थोड़ा काम लगा होता घर का, तो ये वही दिन है जिस दिन मैं सोफे पे ऐसे करके सो गया था। वो भी एक यूनिक दिन था। जब सर तुषार सर के कंधे पर पहली बार आपने जब दो स्टार देखा था, उस वक्त कितना ज्यादा आपको प्राउड फील हुआ था। वो आप समझ सकते हैं कि एक
फादर का या मदर का क्या इम्पैक्ट होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लगता था कि सर शायद इसको कंप्लीट ना कर पाए इस स्टेज को। वो बड़ा स्लिम फ्रेल था दिखने में। जब मैं उसको लेके गया SSB, मैंने कहा ये फर्स्ट डे ही रिजेक्ट आउट रिजेक्ट हो जाएगा। चलो फर्स्ट डे हुआ, लेकिन फिर यही था कि ये कॉन्फ्रेंस में आउट हो जाएगा, क्योंकि इतना पतला और इतने वो टास्क होते देते हैं कि डिफिकल्ट होने करना। मैंने भी SSB क्वालिफाई किया हुआ है। अच्छा। तो ड्यू टू सम मेडिकल प्रॉब्लम आई वाज नॉट अलाउड एज ए ऑफिसर नॉट एज ए सोल्जर। तो मैं इसको कहता था अभी यार बड़ा मुश्किल होता, नहीं जा रहा। नहीं पापा आपने कहा मैं जाऊंगा, तो ही वाज सो डिटरमिंड। आप नहीं ला पाए लेकिन मैं जाऊंगा, देखना मैं पूरा करूंगा सपना आपका। मैं चुप रहता, मेरी आई गॉट सम कैविटी इन द आर्म टूटने के, बचपन में टूटी ना, तो सुनते नहीं होते नहीं थे मेडिकल फैसिलिटीज, उन्हें ऐसे पकड़ के जोड़ दी। वो कैल्सिफिकेशन से था बाजू में थोड़ी सी, हालांकि कोई मुझे कोई पेन नहीं है कुछ नहीं है, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रह गया था। तो मैं तो करूँ, मैं आपका पूरा करूँगा। बस आई यूज टू टेक इट वेरी लाइटली, और ये थोड़ा पता था कि वो एक्चुअली में करेगा, उसे कई गुना ज्यादा कर दिए वो। तो 4 दिन में जब वो कॉन्फ्रेंस आउट नहीं हुआ, मैं चलो मेडिकल में तो जाएगा देखे कहाँ नहीं सोच लग रहा, लेकिन ऐसा नहीं, इट वॉज डेस्टिनी। तो नो बॉडी कुड स्टॉप देयर। प्राउड तो बहुत ज्यादा होगा सर आपको तुषार सर को लेके, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता होगा जरूर कि जहां पर पेन उस प्राउड से बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ वो तो है, दैट दैट इज द फादर पार्ट, हर मदर पार्ट है ना। तो जब हम कभी ना कभी तो ऐसा होता है कि मन करता है कि हम खूब जी भर के रोएं। जी सर, ऐसी ऐसी मोमेंट आती है जरूर। प्राउड तो होता है जब हम उसकी बारे में सुनते हैं, जब लोग बताते हैं, बहुत प्राउड होता है। लेकिन कभी कभी वो दिल के कोने से छोटी सी टीस उठती है कि अगर आज वो होता तो इसको उसने लेफ्ट नहीं करना होता, क्योंकि उसके जितने भी क्लासमेट्स हैं, नहीं सारी कोर्समेट हैं, सब लेफ्ट करना, सभी लेफ्ट करना। तो खैर वो नहीं था उसकी डेस्टिनी में, नहीं देख पाया, लेकिन बाकी बात ठीक है। प्राउड तो बहुत है हमें कि हमारे लड़के ने कोई ऐसा काम नहीं किया, देश के लिए किया, देश के लिए अपना प्राण निछावर किए, लेकिन उसके दूसरे साइड पर वो जो दर्द है वो तो है। लेकिन अब टाइम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा हील अप हो रहा है, लेकिन फिर भी ये नहीं कहेंगे हम वो कभी वो जख्म नहीं उभरता तरीके से। फेस्टिवल में कितना याद करते हैं? हम कोई फेस्टिवल नहीं मनाते, हमें उसके बाद कोई दिवाली नहीं मनाई है, हम घर में कुछ नहीं कर, कोई मिठाई नहीं लाते हैं, सिर्फ नीचे जो है वहां तुषार मोड़ पर जाकर के उसके स्टैचू इर्द गिर्द दिए मोमबत्तियां वगैरह जलाते हैं, वहीं पर जो कुछ मिठाई बांट देते हैं घर में नाम के लिए। हम इसके आगे यहाँ पर एक दो दिए जला देते हैं, दो चार दिए, कोई फेस्टिवल नहीं मनाते। बर्थडे के दिन है? बर्थडे के दिन, बर्थडे के दिन भी ऐसा कुछ करते हैं हम, जैसे हमारे हिंदू रिवाज होता है उसके नाम पे कन्या पूजन किया जाता है, कुछ नीचे जाकर के दिए जलाते हैं, दीप जलाते हैं उसके नाम पे। अब हम लोगों को मना नहीं करते, कुछ उसके दोस्त वगैरह केक ले आते थे, मजबूरन हमें काटना पड़ता था। अब हमने पिछले साल तो यही किया कि केक में हम वहीं पर काटते हैं। कहाँ पर सर? उसमें ही पर तुषार मोड़ पर ही काटते मोड़ पर। हाँ वहीं पर काटते हैं और फिर वही लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तब सर न्यूज आई तुषार सर की कि जब वो शहीद हो गए,
उस वक्त आप कहाँ पर थे और न्यूज कैसे आई आपके पास, और वो दिन मतलब वो मोमेंट कैसा रहा आपके लिए सर? ये जो 21 फरवरी 21 फरवरी, राइट? हाँ, तो मैंने बताया ना उस वक्त मैं इस पहिए सो गया था गर्दन पीछे करके। जी जब जाग मेरे को खुली तो मैंने कहा चाय बनाओ, चाय का मुझे टेस्ट ही कोई नहीं, मैंने ये नहीं अच्छी बनी तो रख लो। इतनी देर में ना मेरे घर में कुछ लोग आना शुरू हो गए, जी शायद वो न्यूज़ फ्लैश हो गई थी। उस वक्त आप न्यूज़ नहीं देख रहे थे मतलब? एक्चुअली हमारे काम काम लगा था ना, तो मैं भी काम शाम देख रहा था लोगों का, तो आकर लेट गया, थका हुआ था, जी तो न्यूज़ सुनने देखी थी मैंने, तो कुछ लोग आना शुरू हो गए और कुछ लोग आए बैठे, क्या हाल है ये हुआ है, चलो ठीक है बैठो। एक दो आदमी आए जो कभी आता ही नहीं हमारे घर में, ऐसे नाउन था मेरा, जी लेकिन आकर के बैठा रहा, बड़ी देर बैठा था, फिर चला गया। इतनी देर में ना एक मैसेज आया था मेरे को वहां से, जबकि बाहर दुनिया बहुत गाई हुई थी, हम बाहर भी नहीं गए थे, अंदर अंदर ही थे आप लोग? ही थे, सामने बैठे हुआ था, जी जहाँ तुषार का फोटो लगा पड़ा। जी तो इनका SM होता है, उसने फोन किया है, साहब को थोड़ी चोट आई है। भूमिका बनाते हैं ना जैसे, डायरेक्टली नहीं बताते हैं। मैंने कहा बताओ ठीक तो है या नहीं, नहीं हमें बस इतनी इन्फॉर्मेशन है। नॉर्मली मैं फोन नहीं करता था। उससे पहले ना एक कैप्टन का डेथ हो गई थी, वो शहीद हो गया था कैप्टन पवन। पवन कुमार पता है मेरे बारे में उसने क्या दिन जागा कि मैंने कहा ये तुषार पता करो इसके बारे में, इसका पूछो ये कहाँ पे है, जी हालांकि मुझे पता वो एरिया उसका है नहीं, जी ये साउथ कश्मीर में है हो रहा इंसिडेंट, वो नॉर्थ कश्मीर में है, बड़ी दूर है वहां से वो, तो ये था पता इसको रात को लिफ्ट किया हुआ है। तो अच्छा मैंने फोन किया तो एक बड़ी ने उठाया, सब काम बिजी है थोड़े से, अच्छा जब फ्री हो गए तो बता देना, मैं पापा का फोन आया था, ठीक है। शाम को ये इंसिडेंट हुआ, उन्होंने कहा चोट लगी हुई है, तो चोट जो है वो मैं कैसी लगी है कितनी लगी है, उन्होंने कहा हमें इतनी इन्फॉर्मेशन है। फिर हम बार बार फोन करें, वो कुछ आंसर नहीं आ रहा था। इतनी देर में अब सर्दियों में अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, जी लेकिन मेरा मन कहने लगा कुछ गड़बड़ी है, जी कुछ ना कुछ है, क्योंकि आगे भी एक इंसिडेंस में इसको बुलेट लगी थी, तो उसने बताया नहीं था घर में, इसमें लगी हुई थी बाजू में। तो मुझे ये इतने दिन में देखे लेफ्टिनेंट कर्नल भाटी, भाटी नाम था उनका, जी राजस्थान के थे वो, और हमारे CEO मैडम की, CEO की मैडम आ गए, जी फिर रिवील हो गया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया इंसिडेंट। क्या बोल रहा, आई स्टंट, यकीन नहीं हो रहा होगा सुनकर। हमें तो अभी भी यकीन नहीं होता कि वो नहीं है। अभी उसी घर में ऐसा रहते हैं, वही शोर कर रहा है, इधर से भाग रहा है उधर से भाग रहा है, अभी म्यूजिक लगाया हुआ है, अभी ये लगाया हुआ, अभी वो भांज रहा है, क्योंकि नाचना गाना ये सी अपने टेस्ट थे, करता रहता था। रियलिटी तो है कि वो नहीं है, अभी सपने में आते हैं तुषार सर कभी? आज तक एक दफा भी नहीं आया, एक बार भी नहीं आए? एक छोटा जब छोटा सा एक ग्लिम्स उसका आया था, मुझे नहीं आया। सपने में तो बहुत दफा आता है इसको, अपना श्वेत पिंग से कई दफा, एक दफा नहीं कई दफा।
कुछ ऐसी बातें जो पहले फर्स्ट हैंड ही उसको बता देता है ये होगा। वो सच होती है बाद में, फिर मुझे नहीं कभी दिखाई दिया। आप चाहते हैं कि कभी आए सपने में सर? बहुत सोचा आता कभी, मैं बातें करता उसके साथ, पर नहीं। पूछता उससे क्यों इतनी जल्दी छोड़ के चला गया। दुख होता है जब उसकी कोई हमें रस्म करने पड़ती है ना। जी श्राद्ध आता है उसके 4 साल में, वही जो शुरू हो गए ना, बहुत मुश्किल। बस ऐसी पत्थर का होता है। सर, अगर 1 मिनट के लिए तुषार सर अगर आपके सामने आ जाते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे सर उनको? तुमने बहुत जल्दी कर दी जाने की, वक्त तो हमारा था, तुम क्या चल। तुम्हारे जाने से आज वो काम जो काम तुमने करने थे मैं कर रहा हूं, यही सोचा था ना, बच्चे उसकी सारी रस्म और रिवाज करेंगे, है ना, लास्ट राइट से लगाकर आज मुझे करने पड़े, तो मैंने जाना चाहिए था हमें अकेला छोड़ के। वो रहता यहाँ रहता तो मैं यही कहता कि नेशन को अच्छे ढंग से सर्व कर, अपना नाम रोशन करूँ। जनरली ऐसा होता है सर कि जो माएँ होती हैं लोगों के सामने वो रो देती हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनका मन हल्का हो जाता है, लेकिन जो पिता होते हैं वो ऐसे नहीं रो नहीं पाता, होते हैं, नहीं रो पाता वो बहुत ऊपर। लोगों से हट के रहते हैं, सबको संभालना रहता है, तो उस बीच में वो अपना दर्द भूल जाते हैं। वो आप तो किस है। तरह से मैनेज करते हैं सर यहाँ पे आपको भी प्रॉब्लम ना हो? देखो वही प्रॉब्लम है ना कि अगर मैं भी यही करूंगा तो इसका हाल तो मुझसे बुरा होगा, ठीक है ना। इसलिए अपने ऊपर पत्थर रख करके चुपके से रो लिए, बैठे बैठे रो लिए, वो तो चलो वो बात अलग है, उससे अपना मन हल्का हो जाता है। मैंने उसके बाद जो है अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ देर इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ाता भी था 1-2 घंटे के लिए, मतलब मुझे एक स्वतंत्र भी देता था। मेरा बड़ा बेटा एडामेंट था कि मैंने बाहर पढ़ने जाना है। एक मीडियोकर फैमिली को बाहर बच्चे को पढ़ाना बहुत मुश्किल है बहुत बड़ी बात है ना, इतनी मुश्किल है कि मैं क्या बताऊं कि लगभग इम्पॉसिबल है सर ये। हाँ, क्योंकि हमारी कोई हार्ड अर्न मनी है, मुश्किल से गुजारा होता है, या गुजारा मुश्किल से नहीं होता, चलो आराम से हो जाता है, लेकिन इतना पैसा नहीं कि हम बाहर भेजें। जी लेकिन किसी ने कहा कि वो इतना एडामेंट है तो जाने दो, कोई बात नहीं, मैनेज कर ले। उसी के कहने पर मैंने उसको भेज भी दिया कि चलो, होते हैं ना एक एक 2-11 हो जाते हैं, एक एक जी ग्यारह हो जी जाते हैं, कि चलो ये सटन दे, क्योंकि वो बड़ा माइन्यूटली सोचता था हर बात को। तो इस तरह से वो सपोर्टिव ही था बड़ा फैमिली का। जहां भी कहीं पर ट्रेनिंग पर गया कभी भी खाली हाथ नहीं आया, कुछ ना कुछ ले गया था, चाहे मम्मी हो या मेरे लिए। तो अब जैसे मान लो कोची गया ट्रेनिंग के लिए, जी तभी माँ के लिए कुछ लाया, मेरे लिए भी ऐसी एक स्वेट ड्रेस लाया, वो स्वेटर वगैरह लाया। जहां भी गया, उत्तराखंड में गया, कहाँ भी गया, कुछ ना कुछ घर के लिए जो, तो घर की उसके एक थी अटैचमेंट। बहुत तो यही मैं सोचता हूँ कि क्या जब उसको लास्ट टाइम होगा कोई घर की याद नहीं आई होगी,
है ना, कि ना वो रील जो है वो कहते हैं कि अब हम जाएंगे तो पता लगेगा कि जब इंसान लाश लग में होता है ना, उसके दिमाग में वो पूरा जो अपनी बचपन से लेकर के मेमोरी जो है रिवाइव होती है, 7 महीने तक वो पूरे रिवाइव होते तो हैं। इतना घर के साथ अटैच था तो कभी ख्याल नहीं आया, ख्याल ही नहीं आया। वो ख्याल क्या आना कि वो कभी उसके बारे में नजर नहीं आया। सर ख्याल तो आया होगा सर, ऐसा नहीं है, बट सिचुएशन नहीं, पर कभी नजर नहीं आया मेरे को। मैं कितने दफा, लोग कहते हैं कि ऐसा होता है कि सोचते रहो, सोच के सो जाओ सपने में, है ना, तो वो रिवाइव हो जाता है कभी कुछ ना कुछ। मुझे तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे छोड़ते उसकी मांग को नहीं हुआ। एक्चुअली वो हमें कट ऑफ कर गया था पहले ही दिन ही, जब वो इस हिसाब से मैं कह लू ना कि बाइक पे कभी आता था तो हम खड़े होते थे बाहर ही उसको भी सी ऑफ करने, तो वो चले जाता इस रास्ते से, फिर घूम घूम के फिर आ जाता था, हैं, फिर माँ के साथ शातें एक दो की फिर जाता था, हैं। तो उस दिन जो उसका लास्ट था उस दिन वो वापस नहीं आया, सीधा चला गया ऐसे से, जरूर एक आधा चक्कर दो चक्कर लगा लेने, फिर हम बाहर ही होते थे इतनी देर में, हो सकता वो सड़क से घूम करके फिर आ जाए, जा रहा था उससे नगर तो अचार देना था क्या कुछ ऐसा था कुछ गाजर का अचार, हाँ तो अचार देकर तो उसने कहा कि तू आया नहीं ले जा, नहीं मैं अब जा रहा हूँ, मुझे वहां दे सकते हो तो दे दो, फिर कहने रहने दो बाद में भेजना, तभी नहीं आया। बहुत से दो उन्हीं दिनों के कॉन्सिडेंस हैं कि जहां से लगता था कि वो नेचुरली हमसे डिटैच कर रहा था, आया था घर तो उन्होंने कहा मैं किसने, वो शनिवार था क्या, हमारे घर में बहम करते शनिवार को नहीं जाते, मत जा शनिवार को, तो नहीं मुझे जाना है। मैंने भी इसको कहा क्यों उसको तंग कर रही है, अगर नहीं जाना है उसको जाने दे। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं ये कोई इशारा था जो पहली बार, हाँ इशारा ही था, इशारा ही था कि मैं अब डिटैच हो गया हूँ आपसे, स्पेशली वो तो खास इशारा दिखाते हैं। मैं कहता हूँ हम दोनों बार खड़े रहते थे तो हर बार घूम के आते थे, घूम के आता था, हो सके दो दो दफा आ जाए। बहुत देर आप लोग इंतजार भी किए होंगे गेट के बाहर, अब तो आएगा, नहीं आया, डेट वाज आखिरी वक्त आपकी बातचीत क्या हुई थी तुझको, क्या बताऊ लाख बात को कि एक दिन पहले 20 तारीख, हाँ तो वो उन्हें फोन किया माँ को, मैं क्या हाल है तेरा, शायद फिर मैंने किया है पापा से करने के बाद, मैं कहा क्या हाल चाल तेरा, ठीक है, मैं सर्दी हो गई होगी अब तो बड़ी, सर्दी नहीं यहाँ तो बहुत गर्मी है जबरदस्त, मैं क्या बात कर रहा तुम, सर्दी नहीं होगी तो क्या होगा यहाँ पे। तुषार सर शहीद हुए 2016 में और स्टेशन का नाम चेंज हुआ 2023 में, लगभग 7 साल लग गए जी, जी तो आपको लगता है कि ये 7 साल लगना जायज है, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा सर आपको? बहुत परेशानी हुई, हमने कोई ऐसी जगह नहीं जिसको बनाने गया, हमें ये लगा कि ये आदमी कुछ कर सकता है उसको अप्रोच किया, राइट फ्रॉम टॉप टू टो, तो जितना मुझसे बनता था मैंने सब लोगों से मिला, चाहे वो गवर्नर हों चाहे MP हों चाहे वो दूसरे लोग हों, और डॉक्टर साहब के पास मैं बड़ी दफ़ा एक दफ़ा गया था उनके पास, जब मुझे शौर्य चक्र मिलना था तुषार का, तो इन्होंने बुलाया था, मैं उनके घर गया था, उनसे बात भी की थी, इनडायरेक्टली भी बात होती रहती, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी, इन्होंने कहा कि आप वहाँ से रिकमेंड करवाओ, लेकिन मैं फेल हो गया, मैं नहीं करवा सका रिकमेंड,
क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट उस वक्त ऐसी थी कि जहाँ पर उनके लिए मैटर नहीं करता कि कोई शहीद हुआ या नहीं, पिछली गवर्नमेंट थी उनके लिए नॉर्मल नॉर्मल बात थी। तो इवन कि फिर गवर्नर आ जाया, गवर्नर को भी मिला, उसने भी कुछ नहीं किया। अब ये ऐसे कि आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी या पीएम मोदी की जो हमारी फाइल घूम रही थी, ध्यान दिया उन्होंने। हाँ, और मोस्ट ऑफ द क्रेडिट गोज टू द डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और सर ये टीम ओवर की क्या कहानी है सर? अभी तो टीम ओवर का नाम तुषार सर के नाम के ऊपर रखा गया। इसको बाय द वे नाम था इसका टीम ओवर। अच्छा, किसी जमाने में टी की तरह वहां शेप आप देखा होगा, ऐसे सीधा है और एक सर कुदर जाती है। तो शुरू से ना बचपन से हम सुनते थे वो टीम ओवर टीम ओवर। अब ये कह लो कि दिस इज मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस, वो टी वो तुषार बन गया। तुषार सर का वेट कर रहा था वो। शायद मैं तो यही कहूंगा। तो सर मैं अभी आपसे कुछ इंटेंस सवाल पूछना चाहूंगा, आप उसमें अपनी राय जरूर रखें। एक तरफ हमारे इंडिया में जहां पर इंडियन आर्मी बखूबी अपना काम कर रही है, पैरा स्पेशल फोर्सेज जितने भी डिफेंस फोर्सेज है बखूबी अपना काम कर रही है, समय समय पर जब जरूरत पड़ती है तो वो अपना बलिदान भी दे रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ दे रहे हैं हमारे लिए। और वहीं दूसरी तरफ जो एलओसी के उस पार बैठे हैं पाकिस्तान, वो हमारे इंडियन आर्मी को कितना परेशान कर रही है, उनके संग हमेशा एक ना एक वो लोग डिस्टर्बेंस बना के रख रहे हैं। और वो जब पाकिस्तान के प्लेयर आते हैं हमारे इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, आपने रिसेंटली देखा भी होगा हैदराबाद में कितने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया जा रहा था, स्टेशन एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, जीतेगा पाकिस्तान इस तरह के स्लोगन्स लग रहे थे, फ्लैग यहां तक कि पाकिस्तान का लहराया जा रहा था। तो इस पर आपका क्या सोच है सर कि ये कितना हद तक सही है या गलत है? मैं तो कहूंगा ये बिल्कुल गलत है जी। ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं गेम्स के जी, जैसे मान लो क्रिकेट में बीसीसीआई है, उसे कुछ लेना देना नहीं हम लोगों के साथ, हम लोगों में शहीद परिवारों के साथ जी। उन्हें अपने पैसे इकट्ठा करना है जी, व्यूअर से जी। और सबसे बड़ा दुख होता है कि उन लोगों से जो वहां पर जाकर के देखते हैं जी, पैसा देकर अपनी जेब से देखते हैं ऑडियंस ऑडियंस जी, उन पे भी बड़ा खास स्पेशली द यूथ जी। तो लगता है कि वो भी इनसेंसिटिव है, उन्हें पेन नहीं होती कि अमंग अस वन यूथ हैज गॉन फॉर द कंट्री। ठीक है, यूथ को कब क्या समझाना चाहते हैं सर? यूथ को ये कहता है, मैं कहना चाहूंगा कि अपने अंदर एक नेशनलिज्म डेवलप करो, एक स्पिरिट डेवलप करो। हमने अपने आइकॉन जो बनाए हुए हैं क्रिकेटर के प्लेयर्स, बॉलीवुड स्टार्स हीरो हीरो। अब एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको जी, जब कोई परिवार शहीद हो जाता है उसने देखो एटमॉस्फेयर कितना चार्ज होता है। हम कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद का नाम, तब तक तेरा नाम रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, डीपी चेंज करते हैं, स्टेटस लगाते हैं। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए कितने लोग शहीद परिवारों के घर जाते हैं जी, एक लिप ऑफ सिंपैथी के लिए से कोई नहीं जाता, क्योंकि हमें वो नेशनलिज्म नहीं है, नेशनलिज्म वाला मोमेंटरी है, उस समय के लिए जागता है। हाँ, जागता है वो 26 जनवरी, तभी तो इसका एक स्टेटस भी है ना जी, तुषार सर का, तुषार का वही स्टेटस है ना जी जी, है? सो जाएगी कल लिपट कर तिरंगे के साथ अलमारी में, देशभक्ति है साहब, तारीखों पे जाती है। 26 जनवरी को मैंने पढ़ा इसका स्टेटस, मैंने ये तुषार ये क्या लिखा है तूने भाई, मैं सुबह भी मैं भी इनसेंसिटिव था, मुझे समझ नहीं आई थी इन लाइनों का,
मैं डी मीनिंग है, गहरा मीनिंग है बहुत। हाँ तो पापा ऐसे लिख दिया, मेरे मन में आया मैं लिख दिया है। बहुत फील्ड में मैं जाता भी हूँ, जी लोग भी आते हैं, लेकिन मैंने कभी देखा कि कोई हमारे घर किसी फेस्टिवल पे आया हो। सिर्फ लिखा हुआ है, सिर्फ आप चले जाओ। ये तो मैं कहता हूँ, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो मोदी साहब ने ये काम किया कि ये जो स्कूलों के नाम, चौराहों के नाम, जगह के नाम चीजों पे रखे, इस एक मार्वलस वर्क है। जी 100 आदमी गुजरेंगे तो एक दो जरूर ऐसे होंगे जो जिनके माइंड में स्ट्राइक करेगा ये कौन था, सर्च करेंगे है, सर्च करें, जी ठीक है ना, कौन है वो, जानेंगे उसके बारे में। और कुछ ऐसे भी होंगे जो जानने की कोशिश करेंगे, डीपली जानने की कोशिश करेंगे, उसकी लाइफ हिस्ट्री को जानेंगे, इंस्पायर होंगे सर इंस्पायर। जरूर। तो ये भी एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है, लोग पहले भी कर सकते, लेकिन कहीं हम फेल हो रहे हैं तो हमारा यूथ फेल हो रहा है। अगर यूथ देखने ना जाए, लाख लाख आदमी देख रहे, लाख लाख आदमी जा रहा है, जी तो इस क्रिकेट का क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना। जी बीसीसीआई को पैसा चाहिए, जी ये जो यूथ है उसको एंजॉयमेंट चाहिए, है पॉलिटिशियन को पॉलिटिक्स चाहिए, तो बताओ देश कहाँ पे है, ये हमारे शहीद परिवार कहाँ पे हैं, जिन बच्चों ने इनके लिए अपनी जान दे दी, किसके लिए, उसका कोई दुश्मनी तो नहीं है पाकिस्तान वालों के साथ, कोई प्रश्न नहीं। तुषार की दुश्मनी थी कि पाकिस्तान वालों के साथ, जब मीजी की पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, किस लिए, दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक नेशनलिज्म था कि मैंने अपनी देश की सीमाओं की रक्षा करनी है ताकि मेरा देश सुरक्षित रहे। जी जरूर। तो ये बहुत चेंज कर लाने की जरूरत है। और कुछ हमारे मुल्क के अंदर सो कॉल्ड सीडो सेक्युलरिस्ट बैठे हुए हैं, जी। तो उनकी माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, हमारे पॉलिटिशियन को चेंज करने की जरूरत है। बहुत अच्छा हार्ड स्टैंड लेते हैं मोदी साहब, मैं उसकी प्रेज भी करता हूँ, जी लेकिन डेमोक्रेसी में बड़ी चीजें हैं जो नहीं वो कर पाते। तो बहुत दुख होता है, आपने जो क्वेश्चन किया मेरे मन को छू गया, ये दुख भी होता है, बहुत दुख। आज के वक्त में हमारे इंडिया में एयरफोर्स के एक एम्बेसडर बनाए गए हैं सचिन तेंदुलकर, बीएसएफ के विराट कोहली, टेरिटोरियल आर्मी के महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव बनाए गए थे एक वक्त। लेकिन आपने सर कितनी बार ऐसे देखा है सर कि जब कोई फौजी शहीद हो रहा है, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे बीएसएफ, चाहे वो आर्मी, चाहे कहीं का भी, कोई एक क्रिकेटर या बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस ट्रिब्यूट देता उनको, कभी आपने देखा है? मुझे समझ नहीं आती ये ऐसा क्यों किया जाता है। अगर ये बनाते हैं तो दे शुड चेंज देयर माइंडसेट, आर्मी के जो हायर ऑफिसर्स हैं जो भी हैं जी जो इनको एम्बेसडर बनाते हैं, दे शुड चेंज देयर माइंडसेट, क्योंकि आर्मी इनको किस बात का एम्बेसडर बनाना है, राइट ठीक है नहीं, क्रिकेटर है, व्हाट कंट्रीब्यूशन ही मेक्स फॉर द कंट्री, वो तो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं, खेलते हैं ठीक है, गेम्स है उनकी, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, प्राउड भी होता है हमारे नेशन के प्लेयर हैं, लेकिन करते क्या है, सिर्फ पैसा इकट्ठा करते हैं ना। इनमें से कितने लोग हैं जो कि शहीदों के घरों में जाते हैं, एयरफोर्स का अगर एम्बेसडर है तो उसकी ड्यूटी है कि वो जाए, जरूर अगर टेरिटोरियल में तो उनकी ड्यूटी है कि वो जाए। जरूर। मैंने नहीं आज तक कभी न्यूज में सुना ना न्यूज़पेपर में पढ़ा, कि मैं भी बड़ा डीपली न्यूज़पेपर को पढ़ता हूँ, जी सर न्यूज़ सुनता रहता हूँ, जी तो क्यों कभी किया है ना, कुछ भी नहीं किया। ये सबसे बड़ा गलत तरीका है। और ना ही कोई इनको यूनिफॉर्म पहनने की सेंस होती है। जी मूवीज में भी देखते होंगे हम लोग, हाँ बैचेस उल्टा फुल्टा रहता है इन लोगों का। तो वो ये ना इन्हें, मैं वही कहूँ यूनिफॉर्म सेंस भी नहीं है, तो क्यों इनको बनाया जाता है। मेन केस में जो हमारी आर्मी के जनरल्स हैं एक्शन लेना चाहिए, हैं, एक्शन लेना चाहिए उन्हें। दे शुड स्टॉप दिस थिंग्स। अब जो पीछे व्हाट एवर हैज बीन डन कैन नॉट बी अनडन, लेकिन आगे तो रोका जा सकता है, रिपीट ना हो वो चीज। रिपीट, इसको बंद कर देना चाहिए। सर जो क्रिकेट में ग्रेड ए के प्लेयर होते हैं, उनकी सैलरी ऑलमोस्ट 56 to 60 लाख रुपीस होती है पर मंथ, डेफिनेटली पर मंथ।
और यहाँ जो सोल्जर हमारे लिए हर एक सेकंड अपना बलिदान देने को तैयार है, उनकी सैलरी 30, 40, 50 तक सीमित है। 50 साल, हाँ इनके बाद 50 साल भी कहा जाता है कि क्या हो गया, पे तो ले रहे थे, दे कोई तो ले रहे हैं। फ्री में थोड़ी गए हैं। तो ऐसे माइंडसेट वाले लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो कहूंगा कि ऐसे लोगों को ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 दिन के लिए साइचन ग्लेशियर में भेजना चाहिए, जी सही, 10 दिन के लिए। 1 घंटे के लिए चल जाए तो समझ जाएंगे सर। तो पता लगे इन्हें कि क्या होता है। इन्हें पता, इन्हें 10 दिन कुपवाड़ा के जंगलों में छोड़ देना चाहिए, एलओसी में छोड़ देना चाहिए, पता लगे कि वहां क्या होती है। नॉर्थ ईस्ट में छोड़ देना चाहिए, कहना आसान है सर, फिर पता लगेगा कि आर्मी की या एयरफोर्स की या ये जो दूसरे हैं टेरिटोरी आर्मी है, BSF है, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। तब तक ये रियलाइज नहीं करेंगे, तब तक हमारा नेशनलिज्म नहीं डेवलप होगा। जी मैं कहता हूँ कि मैं तो यही कहूंगा, जैसे इसराइल में ये कंपल्सरी है आर्मी ट्रेनिंग, आर्मी ट्रेनिंग फॉर 5 ईयर्स, दे हैव टू गेट ट्रेनिंग। अगर मैं PM हूं तो PM के बेटा भी ट्रेनिंग करता है, जी वो स्पेशल नहीं। यहाँ तो एक MLA का बेटा, वो नहीं मानता किसी को, मैं MLA का बेटा हूँ, मेरा मेरा फादर जो है सरपंच है, वो नहीं मानता। लेकिन आर्मी ट्रेनिंग करें, अभी आप मैं नहीं, वार कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, नहीं होनी चाहिए या नहीं होनी, उस कंटेक्स्ट में जाता। जी इसराइल और फिलिस्तीन की वार हो रही है, उसमें वो लोग अपने, उनका नेशनलिज्म है, जी सर, वो अपने नेशनल के लिए जहां भी थे वो वापस आ गए हैं कि मौका मिलेगा तो हम जाएंगे बॉर्डर पे लड़ेंगे। चाहे वो एक्टर एक्ट्रेस सब, हाँ सब जा रहे हैं। जी ये हमारे हमारे एक्टर क्या करते हैं, हमारे लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। अगर हो सकता है ये ऐसा कोई रूल आ जाए कि कंपलसरी, सब आदमी को 5 साल की ट्रेनिंग करनी है, तो पता नहीं यहाँ पे हिंदुस्तान में कितना ह्यू एंड क्राई हो जाए, ये सीडो साइकिलिस्ट साइकिलिस्ट जो है कि क्या करेंगे कि डिक्टेटरशिप आ गई, ये आ गया, वो आ गया है? तो नेशनलिज्म सीखना है तो उन लोगों से नेशनलिज्म सीखना, जापान से सीखो नेशनलिज्म सीखना है तो इनसे सीखो, ठीक है, इसराइल वालों से सीखो। जरूर सर, जरूर। ऐसे उनमें कैसे आ गया, हम में क्यों नहीं आया? इसराइल एक डॉट जैसा देश, डॉट सा देश है, डॉट सा, बिल्कुल। इतना ज्यादा पावर, इतना ज्यादा नेशनलिज्म उनमें। और कितनी टेक्नोलॉजी में कितना एडवांस है वो, आज भी इंडिया मैक्सिमम वेपन्स वहीं से इंपोर्ट करते हाँ हैं। कितना एडवांस। दूसरी तरफ सर, जो जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं सर, इनकी सैलरी, इनकी पर्क्स, इनकी बेनिफिट्स, ये सभी को पता है। और हमारे जो आर्मी के सोल्जर्स होते हैं, इनका ही टैक्स का पैसा काट काट कर बाद में इन्हें दिया जाता है सर। और वहां पर दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस को टैक्स एक पैसा देना है नहीं, तो फौजियों के ऊपर ये टैक्स लगाना सही है क्या सर? हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का एक थोड़ा सा उसमें कमियां हैं। एक आदमी जो MLA बन जाता है, जी MLA छोटा सरपंच ही बन जाता है इस टाइम में, जी वो समझता कि मेरे पास पता नहीं क्या ऐसा अलादीन का चिराग आ गया है, भगवान समझता है, भगवान के रूप में लोग मेरी पूजा करें, ठीक है, लोग जरूर मेरे मेरे पीछे भागे। उसकी गर्दन जो है 2 फुट ऊंची हो जाती है, जी सर, नीचे देखता नहीं है वो। तो कहीं ना कहीं तो हमारे उस पॉलिटिकल सिस्टम में कमी है। जब से ये शुरू है हमारी डेमोक्रेसी, तो जो हमारे पुराने इतने समझदार पॉलिटिशियन हुए हैं, इन्होंने क्यों इतनी छूट दे दी इनको, जी है टाइम टू टाइम क्यों छूट दी, वो भूल सुख एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर है तो। और दूसरा, और अब पॉसिबल भी नहीं है कि विड्रॉ करना, जी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहा। बहुत इम्पॉसिबल। जैसे मुझे पता है कि पार्लियामेंट के अंदर खाना भी इनको जी सर्व होता था सब, सब में सब्सिडी, अब वो पैसे से सब्सिडी में मिलता था, जी अब वो पैसे देने, जब पैसा देने शुरू हुए तो हंगामा हो बहुत गया, हंगामे हुए, जी बहुत सर, लोगों ने वाइस रेज की, क्यों जी
क्योंकि हम गवर्नमेंट के पैसे को लूटना अधिकार समझते हैं, अपना पॉलिटिशियन जितने भी अपना अधिकार समझते हैं। वैसे सर ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं आपस में सब में मतभेद है अपोजिशन पार्टी में, बिल्कुल, लेकिन अगर आप इनके सैलरी कम करने की बात करिए सब एक हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे। वो सैलरी जब बढ़ानी होती है कोई ह्यूमन क्राई नहीं होती, कोई हंगामा नहीं होता जी। क्यों नहीं ऐसे रोड बनाए जा सकते कि जो हमारे पार्लियामेंट में जो वर्क नहीं होता है जी, रोज हंगामा पड़ जाता जी। देखो आप, आपका कोई मसला है तो आप पार्लियामेंट में एक अच्छे ढंग से रख सकते हो, बैठ के सुलझाइए, बैठ के सुलझाइए, डिस्कशन से करिए। वो स्पीकर बेचारा तो ऐसे बेचारा बैठा रहता है, वो बेचारा यही यू प्लीज सिट डाउन, यू प्लीज सिट डाउन, यू प्लीज सिट डाउन है जी, वो यही करता रहता है, फॉर्मेलिटीज करता है, फॉर्मेलिटी है ना। तो ये क्यों नहीं करते, उन्हें पता है मैं आज मेरी अटेंडेंस लगी है, आज का मुझे डीए सीए मिल जाएगा, मुझे क्या देना है, मुझे शोर करो। ठीक, तो ये चीजें हैं, गलत है। बट सर थैंक यू सो मच सर, आपका इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, इट्स माय प्लेजर कि आप यहाँ आए और इंटरव्यू किया। थैंक यू सर, और मैं चाहूंगा कि आप जैसे यूथ जो हैं समाज के अंदर आप जैसे और पैदा हों, जो कि थोड़ी जागरूकता भी लाएं और जो हमारी समाज के अंदर कमी है उनको उजागर करें। जी सर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, थैंक यू सो मच सर। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने तुषार सर के पेरेंट्स के साथ इंटरव्यू को देखा, लेकिन अब हम आगे इंटरव्यू को कंटिन्यू करेंगे तुषार सर के बेस्ट फ्रेंड के साथ, जो ऑलमोस्ट बचपन से उनके साथ रहे, हर एक कंडीशंस में, अच्छा या बुरा कंडीशन में उनके साथ रहे, बहुत ज्यादा इनके उनके संग अटैचमेंट था। तो अब हम डायरेक्टली उनके जुबानी सुनते हैं तुषार सर के बारे में। सो जैसे कि हम लोगों ने सुना, एक बीच में सर का डॉक्यू ड्रामा भी आ चुका था, तो उसमें हमने आप उसमें आपके बारे में हमने देखा कि श्वेत केतु सिंह जो आप उनके बेस्ट फ्रेंड रहे, तो तुषार सर से आपका दोस्ती कब से स्टार्ट हुआ, कब से आप उनके साथ में हैं, वो एज अ सोल्जर कैसे थे, उनके शहीद होने के बाद लगभग पूरा इंडिया उनकी स्टोरी जानता है, लेकिन वो एज अ फ्रेंड कैसे थे, प्लीज हमें बताइए थोड़ा। जी अगर मैं तुषार के बारे में बताना चाहूँ तो इट वॉज इन द एयर 1993, तो मैं एक नए स्कूल में गया था, तो मेरी एडमिशन कुछ मंथ्स वहाँ पे लेट थी, तो जब मैं गया तो वहाँ पे पूरी क्लास के बच्चे बैठे हुए थे और हर कोई मेरे लिए नया था, मैं फर्स्ट टाइम गया था, तो मैं सबको देख रहा था कि मैं कहाँ पे बैठूँ कहाँ पे बैठूँ। तो वहाँ से एक छोटी सी हाइट का एक बॉय उठा एंड ही सेड टू मी कि यहाँ पे आ जाओ मेरे साथ आके बैठ जाओ। अच्छा। और वो दिन था और 2006 में हमने 12th की हुई है, उस दिन तक हम लोग हमेशा एक ही साथ एक ही बेंच पे हम लोग बैठते रहे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं उससे मिला, उसके बाद मैं डेली उसके साथ बैठना स्टार्ट हुआ। हमारे बीच बच्चे थे, इतनी तो जब थी नहीं अवेयरनेस या इतनी तो बातें करते नहीं थे, वहीं खेल कूद की बातें होती थी, तो वहां से बातें करते 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 तो हम लोग अच्छे दोस्त बन गए। फिर हमारे घर भी पास में ही थे, वॉकिंग डिस्टेंस कोई 5 मिनट्स का होगा अप्रोक्सीमेटली। तो हमने थोड़े से बड़े हुए तो साइकिल लेके एक दूसरे के घरों में आना, जैसे कि भाई आपने देखा होगा तुषार के घर के बाहर जो रोड जाई है थोड़ी खुली है जी। तो हम यहाँ पे शाम को खेला करते थे क्रिकेट फुटबॉल कुछ ऐसे, तो वहां से हमारी दोस्ती यारी काफी अच्छी होती गई, अच्छा एक बॉन्ड हमारे बीच बनता गया। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मैं एक राजपूत फैमिली से हूँ, तो वो मुझे राजे महाराजाओं की बहुत स्टोरी सुनाते थे जी। राजा रामचंद्र की स्टोरी सुनाते थे, बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान जी। तो तुषार को वो कहते हैं ना कि ही वॉज ए बॉर्न वॉरियर, वो पैदा ही एक वॉरियर था हुआ हुआ। दो मैं जन्म से अगर मैं राजपूत हूं तो मैं बोलूंगा कि वो कर्म से था, वो क्षत्रिय था, तो उसको बचपन से ही कुछ एक थी कुछ मतलब इन राजे महाराजों के लिए ना कुछ ऐसा कुछ, ये फाइटर जो थे उनके लिए सुनने का बारे में। अच्छा। तो वो मेरे ग्रैंडफादर के पास आया करता था, तो उनसे कहानियां सुनता था, तो मैं भी सुनता था, तो हमें पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शहीद भगत सिंह, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, शिवाजी या जो हमारे ऐसे जो हमारे बड़े बड़े राजा रहे हैं इंडिया के, हाँ जी,
तो इनकी स्टोरीज वो सुनता था, तो वो बड़ा ज्यादा फैसिनेट होता था इन सब से। तो मेरे पास, मुझे आज भी याद है, हम 6th स्टैंडर्ड में थे, तो मैंने घर में थोड़ी कर ली, जिद कर ली कि मुझे तलवार, जो स्वॉर्ड जिसको बोलते हैं, मुझे बर्थडे पे वो आप दो। मैंने अपने जो तेरे पापा, मैंने उनको बोला। तो तुषार को बड़ी क्यूरियोसिटी हो गई कि तूने तलवार क्यों अपने बर्थडे पे ली गिफ्ट, तो कोई कार ले लेता कुछ, में कुछ साइकिल बाइसाइकिल और कुछ चीज ना कुछ था, तूने तल तल वो क्यों स्वॉर्ड क्यों ली। मैंने कहा बस ऐसे ही ले ली, मेरा किया मन किया, तो उसको एक क्यूरियोसिटी होगी मैंने देखनी है वो तलवार। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में था कि हम अगर राजपूत हैं तो वो चीज अपने को। मेरे ग्रैंडफादर तक सारे आर्मी में ही थे, मतलब जी उस वाली पीढ़ी तक वो सब आर्मी में थे, तो अच्छा मेरे ग्रैंडफादर के जो बड़े भाई थे उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी पार्ट लिया हुआ, पार्टिसिपेट किया हुआ, तो वहां से थोड़ा बहुत मुझे वैसा ही था। जी तो तुषार को लेकिन बहुत ज्यादा थी क्यूरियोसिटी कि वो तलवार क्यों ली है इसने। अच्छा एंड ही केम टू माई हाउस, मुझे कहता मुझे स्वॉर्ड दिखा पहले। मैंने कहा पहले बर्थडे पार्टी हो रही है खा लेते हैं पहले। कहता नहीं पहले मुझे तलवार दिखा, मैंने देखनी है। उसको तलवार दे, उसने हाथ में उठाई तो मुझे इसकी आंखों में लगा वो एक वो महाराणा प्रताप शिवाजी वाली फीलिंग, ये था उस टाइम अपने मन में कुछ सोच रहा था कि मैं शायद वैसा लग रहा हूँ, मैं वैसा मैं कुछ बनू, तो वो चीज मैंने उस टाइम इसकी आंखों में मैंने की थी नोट। उसके बाद 8th स्टैंडर्ड में मैंने एयर गन आती है एक, जी मैंने वो अपने फादर को बोल के ली, तो इसको हुआ कि तूने एयर गन लिया। मैंने कहा मैंने एयर गन लिया, और इसने डेली मेरे पास आना, और हमने एक कार्डबोर्ड होता था उसपे हमने बैलून्स मतलब वो ब्लो करके वहां पे हमने लगा देने, और इसने और मैंने डेली वो एयर गन से उनको शूट कर करते हैं ना बैलून्स को। अच्छा तो इसको बड़ा ज्यादा शौक था इन गन्स का, मतलब जो भी होते तलवार हैं का। वेपन, तलवार होगी गन, उस टाइम तो हमारे पास वही था, तो उसको बचपन से इन चीजों का शौक था। सेकेंडली जब ये स्टोरी सुनता था तो उस टाइम एक दो सीरियल्स थे आते, 1999 की बात है ये शायद, जी तो तब बिजली के कर्टेलमेंट्स बहुत ज्यादा होते थे, जी जी तो मेरा जो मोहल्ला है और तुषार का जो मोहल्ला है वो साथ साथ में है, वो एडजॉइनिंग है। तो जी क्या होता था कि जिस टाइम मेरे मोहल्ले में लाइट होती थी तुषार के घर में नहीं होती थी, तो जिस अच्छा दिन तुषार के घर होती थी तो मेरे घर में नहीं होती थी। अल्टर हाँ ये ऑल्टर होता था। तो एक दो सीरियल आते थे, एक था स्वराज, जी फ्रीडम वो चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह पे था वो बेस्ड, वो ट्रू फाइटर्स। इवेंट्स पे बेस्ड था। एक आता था युग, वो थोड़ा सा ड्रामेटाइज किया, वो था वो मैं ट्रू नहीं था इवेंट्स पे, बट वो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल पे था। अच्छा तो युग और स्वराज जो ऐसे सीरियल्स थे जो तुषार को बहुत ज्यादा पसंद थे, तो उसने वो मुझे बोल के किया होता था कि जिस दिन मेरे घर लाइट नहीं होगी तो तूने देखना है वो अपने घर में, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग स्कूल में आगे तूने मुझे उसकी स्टोरी है तूने मुझे सुनानी, अच्छा ताकि एक वो लिंक बना जी रहे मिस कि ना जिस हो। दिन उससे घर लाइट गई होगी उसको नहीं पता चलेगा कि स्टोरी क्या है। हाँ तो वो हाँ मुझसे स्टोरी सुनता था, फिर नेक्स्ट डे वो अपने घर में वो उसको देखता था। तो उसको बचपन से ही मैंने कहा ना कि जैसे ही वॉज ए बॉर्न वॉरियर, वो पैदा ही योद्धा बनने के लिए हुआ था, तो उसको बचपन से ही वो चीजें थी, अब वो गॉड ने क्या सोच के उसको पैदा किया, मतलब वो कैसी चीजें उसमें डाली, तो हम सब हैरान हैं रहते। वो बड़ा शाही टाइप का था, दो ही वॉज ए गुड डांसर, उसको डांस करना बड़ा पसंद था, मस्ती करना बहुत पसंद था, बट अपने फ्रेंड्स सर्कल में एक वो लिमिटेड जी लोगों के बीच में, आप मतलब एक पूरे बहुत बड़े ग्रुप में बैठे होंगे तो वो चुपचाप बैठ रहता था। लिमिटेड फ्रेंड सर्कल हाँ लिमिटेड फ्रेंड सर्कल था उसका, बड़ा मतलब चूज करके सिलेक्टेड हो रखता था जो अच्छे होते थे। मैंने क्वालिटी पे भरोसा करता हाँ था। यस, ही बिलीव इन क्वालिटी, वो क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करता था। स्पोर्ट्स में कैसे थे? स्पोर्ट्स में वो बहुत अच्छा था, वो जब हम स्कूल में थे 10th तक जिस स्कूल में हम थे, वो हमारी स्कूल की जो क्रिकेट टीम थी वो उसका कैप्टन था। लीडरशिप क्वालिटी उसमें स्टार्टिंग से थी, वो हाउस का कैप्टन रहा हुआ है, हमारे स्कूल का हेड बॉय भी रहा हुआ है, तो लीडरशिप क्वालिटी उसमें वो बाय बर्थ, वो एक मैंने कहा ना कि वो बॉर्न लीडर बॉर्न वॉरियर, वो बाय बर्थ वो मतलब उस टाइप का था। तो 6th स्टैंडर्ड में हमें अभी भी याद है हमारी एक मैम होती थी, उन्होंने इंग्लिश में एक हमें ये एसे लिखने को बोला, जी माई एम इन लाइफ। तो तुषार ने वहां पे लिखा आई वॉन्ट टू बी एन आर्मी ऑफिसर, हम सबने लिख दिया, अब मेरे भी आर्मी के थे बैकग्राउंड में तो मैंने भी लिख दिया। बट साल बाई साल हम लोग चेंज करते थे, कभी हम इंजीनियर लिख देते थे, कभी हम क्रिकेटर लिख देते थे, जब कभी वर्ल्ड कप आता तो क्रिकेटर बन जाना, माहौल के हिसाब से। हाँ माहौल के हिसाब से। बट तुषार वाज द ओनली बॉय इन अवर क्लास कि जो कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज लिखता था।
आई वॉन्ट टू बी एन आर्मी ऑफिसर, और वो आर्मी ऑफिसर बना, सच हुआ, सच हुआ। उसने ट्वेल्थ में अपने बैच में वो सबसे यंगेस्ट ऑफिसर था, और जब वो इसमें आईएमए में था, जब वो आया तो आईएमए के बीच में ट्रेनिंग पीरियड में ही, तो उसने ना वो घर आया था, उसने मुझे एक फॉर्म दिखाया जी। तो मैंने कहा ये क्या है, उस पर लिखा था वेलकम टू द 90 डेज ऑफ हेल। अच्छा, तो मैंने कहा ये क्या है, कहता ये स्पेशल फोर्सेस का जो होता है ये उसका फॉर्म है, मैं ये फिल कर रहा हूँ तो मैं स्पेशल फोर्सेस में जाऊंगा। तो अभी इतनी तो डीपली बातें हमें पता नहीं थी आर्मी के बारे में जी। तो मैंने कहा यार आर्मी तो आर्मी होती है, व्हाट इज स्पेशल फोर्सेस। कहता है जो आर्मी में जो सबसे होते हैं बेस्ट वो स्पेशल फोर्सेस के होते हैं। तो वो डायरेक्ट रिक्रूट हुआ था 9 पैरा में आईएमए से, डायरेक्ट हुआ था, उसकी कोई और कोई पेरेंट नहीं थी यूनिट, वो डायरेक्ट यहाँ पे आया हुआ था। अच्छा। और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो सिलेक्ट हुआ था, और उसने भी मुझे बोला था, और अब तो उसके मार्टिरडम के बाद हम बहुत सारे आर्मी कौन से हैं मिलते रहते हैं, जैसे मैं ट्रस्ट भी बनाया हुआ है मार्ट कैप्टन तुषार महाजन मेमोरियल ट्रस्ट, तो आर्मी वाले से मिलना रहना होता है। अब तो वेब सीरीज या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या मूवीज भी बहुत सारी आती हैं, तो कहते हैं कि 95% रिजेक्शन है जब आप स्पेशल फोर्स के एग्जाम्स देने के लिए गए होते हो। अगर 100 बच्चा होगा तो ओनली 5 विल सिलेक्ट, 95% या तो खुद छोड़ देते हैं या वो उनको खुद निकाल देते हैं, प्रोविजन कंप्लीट नहीं कर पाते। हाँ, तो तुषार ने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एनडीए भी क्लियर किया हुआ है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने जो ये स्पेशल फोर्स का एग्जाम दिया था ये वहां पे सिलेक्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं आपको वो बताए थे कि प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अभी। हाँ, ये उसने बोला था कि मैं स्पेशल फोर्सेस में जाना चाहता हूँ। मैंने जैसे बोला ना कि वो क्वालिटी में बिलीव करता था, ये बिलीव इन क्वालिटी, उसको बेस्ट चाहिए था, वो उससे कम में वो सेटिस्फाई नहीं होता था, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। स्पेशली मतलब जैसे कि आप बहुत बचपन से उनके संग रहे, ऐसे बहुत सारी मेमोरीज बनी होगी, बहुत सारी जिसको आप भुला नहीं सकते हैं, तो अगर उनमें से कोई अगर एक मेमोरीज की बात करें जो आपको लाइफ टाइम वो उनके साथ याद आएगा। उसके साथ बताया हर एक पल मेमोरेबल है। ट्वेल्थ के बाद जब वो एनडीए के लिए गया तो फिर तो हमारा थोड़ा मिलना कम होता था, फिर वो फौज में भी आ गया, तो मुझे अभी तक याद है रामनगर हमारे जम्मू कश्मीर में एक जगह है, हम वहाँ पे पिकनिक में गए थे, तो वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई, तो अब पिकनिक का तो माहौल सारा खराब हो गया। तो वहां पे एक महल है, तो उस महल का एक हॉल था, हम सब हॉल में वहां पे थे, मैंने कहा ना उसको मस्ती करना भी अच्छा लगता था, तो उसने बोला कि यार कुछ आ नहीं रहा मजा, फन होना चाहिए यहाँ पे। तो कोहना प्यार मूवी रिलीज हुई थी, उसका गाना था एक पल का जीना तो हाँ जाना, वो गाने भी ऐसे चूज करता था कि मतलब खाली हाथ आए हम खाली हाथ जाएंगे, और वैसे ही वो बेस्ड ऑन रियलिटी। हाँ यस, मतलब पता नहीं वो क्या था, वो सिग्नल्स होते थे या क्या होता था, वो उसके गाने की चॉइस भी ऐसी होती थी। तो एक पल का जीना एक पल का जाना पे उसने डांस किया, तो पहले हमें हम अपने जो हमारा ग्रुप था वहां पे डांस कर रहा था, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा वो अपने लिमिटेड रहता था जी। तो जब वो डांस करने लगा तो सब देखने के लिए आ गए, उसको करते करते हम जितने भी लोग मतलब हम तो साथ में ही थे, जो बाकी वाले जो पिकनिक में आए थे वो सब वहां पे आ गए उसको देखने के लिए, तो उसने एक पूरा समा बांध दिया वहां पे। अच्छा। और जो हमारी पिकनिक हम जिसमें बोर हो रहे थे तो वो हम सब मतलब खुशी खुशी वहां से माहौल चेंज हो गया। हाँ, उसने बिल्कुल माहौल को बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसमें खुशी के उसमें कर दिया, वो पूरा उसने डाइवर्ट कर दिया था वहां से। तो एक और इंसिडेंट है, ये उसकी मार्टिरडम से पहले का है, फेब में वो मार्टिर हुआ, दिसंबर में वो छुट्टी पे था, वो यहाँ पे आया हुआ, तो मैंने ऐसे ही उससे पूछ लिया, तो मुझे पॉलिटिकली थोड़ा बड़ा रहता है मतलब जांच पड़ताल करने का, क्या हो रहा है कहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा। तो मैंने इसको ऐसे ही बोल दिया कि मैंने कहा यार आजकल तो मतलब मिलिटेंसी कुछ ज्यादा ही हो रही है, आए दिन कुछ हो रहे हैं अटैक्स हो रहे हैं। तो ही सेड टू मी कि इस जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, कहता इस साल ना कैजुअलिटीज होंगी बहुत, तो शायद उसको भी मालूम नहीं था, जो मैंने कोई सोचा नहीं था जो वो कैजुअलिटीज बोल रहा होंगी बहुत, उस कैजुअलिटी में वो भी एक होगा। आई स्टिल रिमेम्बर 21 फेब 19 फेब को मेरी उसकी बात हो रही है, उसने अपना सिर शेव किया था, तो कहता मेरी वो एंगेजमेंट होने वाली है तो तब तक थोड़े मेरे बाल अच्छे आ जाएंगे, थोड़े हेल्दी हेयर हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा अच्छा लगूंगा उस दिन। तो हम रात के काफी लेट नाइट हम बात करते रहे हैं, 19 फेब की बात है जी।
काफ़ी लेट नाइट हमारी बात होती रही। तो 21 फेब को मैं यहाँ पर ही था, तो मुझे एक मीडिया हाउस से फ़ोन आया, मेरे फादर के फ्रेंड हैं वो, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे एक नाम आ रहा है कैप्टन तुषार ऑफ उधमपुर, तो वो जो तेरा दोस्त है वो, उसका भी नाम कैप्टन तुषार है। मैंने कहा उनको क्या हुआ, कहते वो शहीद हो गया हुआ है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, मतलब कहते हैं पाऊंगा तले जमीन निकल जमीन जाना। से मैंने कहा यार निकल अंकल, लिटरली मेरे वर्ड से, वो अंकल है मैं उनके पैर छूता हूँ, लिटरली मेरे वर्ड से, मैं अंकल क्या बकवास कर रहे हो, मैंने वो फोन काट दिया। फिर मेरे कोई पुलिस में कोई नॉन थे, वो वहां पर ही थे उस टाइम पे, मैंने उनको कॉल की, तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ ऐसे ऐसे हो गया हुआ, बट अभी मीडिया में नहीं आया हुआ, तो हो गया हुआ है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम हाउ टू रिएक्ट, यकीन नहीं हो रहा होगा आपको। बिल्कुल मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं घर आया तो अंकल आंटी को इतना इन्फॉर्मेशन आई थी कि ही इज इंजर्ड, लेकिन वो भी वो कन्फर्मेशन नहीं थी। तो और मैं अपने दिल को यही बोल रहा था कि मुझे दो जगह से कन्फर्मेशन मिल चुकी थी, बट मैं अपने दिल को यही बोल रहा था कि मुझे जो लोगों ने बोला वो झूठ बोला, जो इनको पता वही है सच। आंटी ने मुझे बोला कि आजा मंदिर में बैठ जा, तो पूजा है करते हम सब बैठ के मंदिर में, जो अंकल के घर में ही है मंदिर, हम सब बैठ के हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। इतनी देर में न्यूज़ में आ गया कि इंजर्ड है, बोला नहीं था अभी न्यूज़ में, पहले इंजर्ड का ही आ रहा था। तो जी लोग आना स्टार्ट हो गए, अब जब लोग आए तो कहीं ना कहीं वो धक धक होने स्टार्ट हो मतलब गया, हार्ट डाउट। बीट फास्ट होने स्टार्ट हो गई कि जी कुछ अब मतलब जो सुन रहा हूँ कहीं वो रियलिटी ना हो जाए, और मैं चाह नहीं रहा था कि वो हो। जी फिर 9 पैरा के कुछ लोग आ गए, जो 9 पैरा के सीओ साहब थे उनकी आई आगे वाइफ, उस टाइम तक उन्होंने आंटी को या अंकल को नहीं बोला था, तो मुझे अभी भी याद है स्टेयर्स थी, मैंने मैम को बोला, मैंने कहा मैम आपसे एक बात करनी है, आप स्टेयर्स पे आओगे, तो मैम कहती हाँ जी बोलो, मैंने कहा मैम आप कह रहे हो कि ही इज इंजर्ड, मैंने कहा बट मुझे इन्फॉर्मेशन आई है कि मार्टिडम हो चुका होगा, इज इट ट्रू और नॉट, तो उन्होंने गर्दन नीचे की और इशारा भाई दिया। हाँ ऐसे ऐसे नेक से किया, कहते हाँ। वो रात कैसे बीती है मुझे नहीं पता, और आज मतलब अभी बोलोगे तो मैं अभी आंखें बंद करूंगा तो वो हर एक चीज फ्रेश है मेरी आंखों के आगे, फ्लैशबैक हाँ फ्लैशबैक को पूरा आता है। और फेब 19 फेब की जो मैं बात बता रहा हूँ, तो मैंने तुषार को प्रॉमिस किया उस दिन, रात को हम गप लगा रहे, बात बातचीत हो रही थी, तो मैंने उसको बोला कि जब तेरी बारात निकलेगी, तो मैंने कहा कि मैं तेरे गेट से डांस करता करता स्टार्ट हो जाऊंगा, और जब तेरी बारात जिस बैंकेट हॉल या घर में स्टे जब करें। पहुंचेगी तो मैं तब तक डांस करता रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। बट नेवर एवर इन माई लाइफ मैंने ये सोचा था कि मैं उसके पार्थिव शरीर के आगे आगे चलूंगा, कि हमारे एक वो रिवाज है कि वो दिया लेके जाना होता है, जी तो वो दिया मैंने अपने हाथ में पकड़ा था और शमशान घाट तक उसके पार्थिव शरीर के साथ साथ मैं वो दिया लेके चला हूँ। कितना तो मुश्किल रहा आपके लिए वो वक्त। स्टिल मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी शिवर हो रही है, मुझे गूस बम्स हो रहे हैं, तो आई कांट एक्सप्लेन दैट ग्रीफ, दैट सॉरो, दैट सैडनेस, आई स्टिल फील दैट, क्योंकि मतलब मेरे लिए वो मेरे भाई समान था, तो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं मैं वो। अकेले वक्त में इतना ज्यादा खलती होने कमी आप। उसका मेरा ऐसा था कि हम लोग हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते थे, मतलब हंसी वाली खुशी वाली जो भी होगा हम एक दूसरे को सुनाते थे, तो समटाइम्स आई फील कि, और उसका क्या था कि हमारी बॉन्ड ऐसा था कि जब हम बात करते थे तो हमें पता लग जाता था कि अगर मैं फोन करूंगा तो वो बोलता था हाँ कुछ काम है, कुछ तूने कुछ बोलना है उसको, एक मतलब वो टेलीपैथी है वो क्या था कुछ, वो मतलब ब्रेन से ब्रेन का एक वो कनेक्शन था कि हम दोनों को पता लग जाता था कि आज इसने नॉर्मली मुझे कॉल किया है, या ये आज कुछ मुझे बोलने के पर्पस लिए से पर्पज के लिए पर्टिकुलर बात सुनाने के लिए मुझे कॉल किया, तो उसका मेरा वैसा बॉन्ड था। तो समटाइम्स आई मिस कि वैसा एक दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं मतलब ऐसी बातें कर सकूं हर एक चीज। मेरे फादर एक्सपायर हुए 2 ईयर्स बैक, तो मैं आज तक मैं नहीं किसी के आगे मतलब मैं रो पाया, क्योंकि आई एम द ओनली सन, तो
तो मैं रोता तो मदर और टूट जाते। जी तो मैंने तुषार को बोध किया मिस कि मैं तुषार शायद होता तो मुझे लगता था कि शायद मैं उसको शोल्डर पे संभाल सकते वहां हैं, रो सकता था, क्योंकि अपने आप को मैं मतलब भरोसा। जो एक वो आउटबर्स्ट था, मैं वो तुषार होता तो शायद मैं उसके आगे करता। तो बस बहुत ऐसे मोमेंट्स होते हैं व्हेन आई मिस हिम। बट मैंने अंकल से एक वादा लिया है और अंकल भी पूरा साथ निभाते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। हमने एक ट्रस्ट बनाया कि जो तुषार की देशभक्ति की जो एक लेगेसी है, जो विरासत है, जी हमने डिसाइड किया कि हमने उसको नहीं करना है खत्म। जी अंकल ने मुझे बोला कि मैं एक ट्रस्ट बनाना चाहता हूँ, तो जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं जो तुषार की देशभक्ति की, जिस देश के लिए उसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हुआ है, कंटिन्यू। हाँ, तो उसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो मैंने भी अंकल को प्रॉमिस किया हुआ है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुषार का नाम जिंदा रहेगा, मैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँगा वहां पे तुषार का नाम ऑनवर्ड्स हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो हमारा एक तुषार का मार्टिरडम का 4th डे था, तो हम सब फ्रेंड्स ने डिमांड की थी कि उधमपुर रेलवे स्टेशन कैप्टन तुषार महाजन के नाम से रखा जाए। जी तो 7 ईयर्स का स्ट्रगल रहा हमारा, मैंने और अंकल ने एवरी नुक एंड कॉर्नर, संतरी से लेकर मंत्री तक, हर किसी के आगे खड़े भी हुए हैं, हर किसी को रिक्वेस्ट की, सबको बोला, जो हम कर सकते थे हमने किया। बट आफ्टर द हार्ड स्ट्रगल ऑफ 7 ईयर्स वी गॉट फ्रूटफुल रिजल्ट्स फ्यू मंथ्स बैक, राइट एज यू नो कि उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम मार्टिर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे जी स्टेशन जी रखा गया। तो लगता है कि हम रहें या ना रहें, तो तुषार जो नाम है वो रहेगा, परमानेंट और जो आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए कम से कम एक मिसाल रहेगी। क्योंकि आजकल के यूथ हैं, दो आई एम ऑल्सो यूथ, बट जो जी यंगर जो जनरेशन है, अपकमिंग। हाँ, जो अपकमिंग जनरेशन है, तो मैं उसको देखता हूँ कि मतलब वो एक अपनी लाइफ का जुडिशियस यूज नहीं है कर रहे, राइट कुछ ड्रग्स में अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं, कुछ गलत एक्टिविटीज नॉट जो जो जी अनलॉफुल एक्टिविटीज हैं, क्राइम्स में वो कर जी रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा स्टेशन का नाम रखने का भी मोटो यही था कि जो कोई आए वो जब नाम देखेगा तो वो गूगल में सर्च करेगा हु जानना वाज कैप्टन चाहिए। तुषार, जी तो एटलीस्ट उनको लगे कि जो हमारी फ्रीडम है, अवर फ्रीडम इज नॉट मुफ्त है, फ्री, मुफ्त में नहीं। हाँ, मुफ्त में नहीं मिली हुई। अगर आज आप और मैं बात कर रहे हैं तो इट इज नॉट फ्री, राइट इसकी कॉस्ट किसी ना किसी ने पे की हुई है। आपका तुषार महाजन से कोई रिश्ता नहीं था, जी आप शायद एज में भी बहुत ज्यादा छोटे होंगे उनसे, जी बहुत बहुत बट कहीं ना कहीं आपने जब तुषार का नाम सुना, ये गॉट आपको इंस्पायरेशन हुई जी उससे, आपको लगा यार नहीं, अगर मैं आजादी से कहीं घूम रहा हूं या मैं हर कोई अपनी एक्टिविटी कर रहा हूँ डे टू डे की, तो यही लोग हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जिनकी वजह से हम लोग आज आजादी से फ्रीली हर एक चीज कर सकते हैं। राइट तो वी शुड रिस्पेक्ट दीज पीपल, हमें इनकी याद में तुषार की ना एक वो थी, व्हाट्सएप स्टेटस था कि सो जाएगी लिपट के तिरंगे के साथ अलमारी में, देशभक्ति है जागती है तो तारीखों पे जागती है। जी तो जी यही होता है, हम 15 अगस्त पे नारे लगाते हैं, हम राइट 26 जैन को नारे लगाते हैं, रिपब्लिक डे गणतंत्र हमने फिक्स किया हुआ है, बाकी दिन क्यों नहीं? जी हम ठीक है, जो पॉलिटिकल है देश हर किसी से चलता है, राइट खाली आर्मी से नहीं चलेगा, देश पॉलिटिशियन से भी चलता है, जो टीचर है उससे भी चलता है, टीचर ही पढ़ाएगा तभी एक हर एक का आर्मी, अपना हाँ। कंट्रीब्यूशन है। बट मैं सोच रखता हूँ कि अभी हमारी गवर्नमेंट की एक अच्छी पॉलिसी थी हमारे जेएनके में हुई हुई है कि हर एक स्कूल शहीद के नाम पे रखा गया है। जी हमारे यहाँ पे गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसको तुषार के नाम पे रखा गया होगा, जी कैप्टन तुषार महाजन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। तो हम चाहते हैं और हम हमेशा ये अपील करते हैं गवर्नमेंट से, हम कभी भी किसी ऑफिशियल से मिलते हैं, हम बोलते हैं कि चौक चौराहा बस स्टैंड मेटाडोर स्टैंड कुछ भी हो, जी आप इसको एक रिपीटेडली किसी पॉलिटिकल या किसी बिग नेम के अलावा किसी शहीद के नाम पे रखो, जी सो दैट कि जब हमारी अपकमिंग जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जब वो उनको जब उस चीज का नाम सर्च करे गूगल, तो उनको जी उनका बारे में मालूम होगा कि ये कौन कौन थे, ये इन्होंने जी क्या किया था। देखो इन्होंने राइट सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ, चाहते तो ये भी एक एनडी का एग्जाम जो मैंने सुना हुआ है कि इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, टफेस्ट एग्जाम ये कोई राइट आसान एग्जाम नहीं होता है, राइट
तो जो एंडिंग एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, क्लियर कर रहा है, तो वो आईएएस भी कर सकता था, वो एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, डिप्टी कमिश्नर कुछ बन के सेफ जॉब, एक हाँ, एक सेफ जॉब लेके कहीं बैठ सकता था, बट ही चूज आर्मी दिस फील्ड कि मुझे देश की रक्षा करनी है. तो आई फील प्राउड जब भी तुषार का नाम आता है तो गूज़बम्प्स भी आते हैं मेरे में, बट मैं फक्र फील करता हूँ, मैं प्राउडली अपना सीना करता हूँ चौड़ा, अपना फेस हाई हेड करूंगा कि मैं तुषार महाजन का फ्रेंड हूँ. तो जब भी कोई स्टेशन की बात करता है तो मैं ऐसे करके पैट करके बोलता हूँ कि हाँ ये मेरे फ्रेंड के नाम पे रखा गया है, फ्रेंड नहीं मेरा तो भाई से भी बढ़कर है. बचपन से अगर आप उनके संग हर एक मोमेंट बिताएं, चाहे वो अच्छा बुरा हर मोमेंट, तो वो भाई से कम नहीं आपके. एक क्वेश्चन सर, थोड़ा इंटेंस क्वेश्चन है, कि ये जो इंसिडेंट हुआ सर मार्टियर में 2016 में, और जो रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हुआ 2023 में, ये नाम चेंज होने में ऑलमोस्ट 7 साल लग गए. आपको क्या लगता है इतना टाइम लगना जायज है? मैंने आपसे बोला ना कि हमारा 7 साल का स्ट्रगल था, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी कुछ और सेंट्रिक रही है, तो एक लंबा स्ट्रगल था हमारा काफी. आपका स्ट्रगल रहा सर, वो तो राइट. आपको स्ट्रगल इतना क्यों करना पड़ा? बात ये है, क्योंकि लोगों को समझ में आना चाहिए क्यों करना पड़ा. मैं इसका जवाब दूंगा जी. क्यों करना पड़ा, मुझे अभी भी याद है जब तुषार महाजन शहीद हुए तो लोगों ने आते थे तो स्लोगन्स बोलते थे, तुषार तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान जी. बट आफ्टर फ्यू मंथ्स वो हो गया कि तुषार तेरा ये बलिदान भूल गया है हिंदुस्तान. अभी हमने स्टेशन का नाम तुषार महाजन स्टेशन जब रखा गवर्नमेंट ने, तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चल पड़ी. और ये पॉलिटिक्स जो थी ये पॉलिटिशियंस की नहीं थी, ये आम लोगों की थी, जो हमारे शहर के लोग हैं उनकी थी, कि क्या खाली तुषार ही शहीद है, कि क्या कोई और शहीद नहीं है, आप तुषार के नाम पे क्यों रख रहे हो, आप उस फलाने शहीद के नाम पे क्यों नहीं रख रहे हो. तो लोगों से जब ये चीजें सुनने को मिलती हैं तो बहुत फील होता है कि यार वो मेरे लिए या अपने मम्मी पापा के लिए तो नहीं गया हुआ है, उसने पूरे देशवासियों के लिए अपने अपना जो सर्वोच्च बलिदान दिया हुआ है. तो आप लोग यहाँ पे ऐसी मतलब बात करते हो कि इसके नाम पे क्यों रखा जा रहा है, उसके नाम पे क्यों नहीं रख रहे हो, या उसके नाम पे क्यों रख रहे हो तो इसके नाम पे क्यों नहीं रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं इट फील्स. तो मैंने बोला कि ये जो स्ट्रगल था ये अंकल तुषार के फादर और मेरा था, हम दो ही लोग साथ जाते थे, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी ने, नोबडी हैज सपोर्टेड अस. हम खुद ही एवरी नुक एंड कॉर्नर मैंने बोला हम गए हैं, और हर किसी से हमने रिक्वेस्ट की कि हमारा ये ड्रीम है कि आप रखो. और ड्रीम ये नहीं है कि अंकल को कोई लालच नहीं था, हमें तो कुछ है नहीं वहां से मिलना. हमारा ड्रीम ये था कि हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है दे शुड नो देयर रियल हीरोज, नॉट देयर रियल हीरोज. हमें रियल हीरोज तो हम बोलते हैं कि हमें रणबीर कपूर बनना है, मुझे सलमान खान बनना है. नो, वो एक रियल में एक अपना वो दिखाते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, रियल लाइफ में वो क्या है वी डोंट नो. रियल लाइफ हीरोज तो ये हैं, दे आर द हीरोज, वो एक्टर है, वो एक्टिंग है करते, ये हीरोज हैं, ये अपना सेक्रीफाइस है देते. सियाचिन की इतनी ठंड में ये लोग वहां पे खड़े रहते हैं, गंगानगर की इतनी जो तप्त वाली गर्मी है ये तब भी वहां पे हैं खड़े. तो दे आर द रियल हीरोज, राइट सर. माइनस से लेके ये लोग, हाँ, माइनस से -50 से लेकर +50 तक ये लोग खड़े हैं टू प्रोटेक्ट अस, राइट. जो यूथ है आज के वक्त में, आपको भी पता है वो किस डायरेक्शन में जा रही है. मैक्सिमम यूथ दे मतलब उनको ये नहीं पता कि रियल हीरो कौन है. वो आज के वक्त में अगर आप किसी का अगर इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया अकाउंट आप चेक करो, तो जो एक हमारे ऑफिसर हैं जिनको ऑलरेडी PVC मिल चुका है, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, अगर आप उनके फॉलोअर को नोटिस करो, वेरी फ्यू. और एक अगर आप थर्ड क्लास एक्टर के अगर आप जाकर के फॉलोअर चेक करो, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में. जी बिल्कुल. इसके ऊपर आपको क्या लगता है, कभी ये चीज ठीक हो पाएगा? इट हर्ट्स. देखो तुषार ही एक बोलता था, उसका एक फ्रेज था, इफ यू वॉन्ट टू चेंज ए सिस्टम फॉलो इट, बी ऑन द टॉप एंड देन चेंज इट. मतलब आपको सिस्टम चेंज करना है उसको फॉलो करते रहो, उसके टॉप पे पहुंचे, जब टॉप पे हो तो आप उसको चेंज कर सकते हो. तो एज आई सेड कि मेरी और अंकल की एक कोशिश है जो हमने ट्रस्ट बनाया हुआ है, ये हमारी यही कोशिश कि हम थोड़ा सा यूथ में थोड़ा सा एक चेंज लाएं, एक बदलाव लाएं. हम एवरी ईयर ये हमने स्टार्ट किया, हमारे बाद बहुत सारे ट्रस्ट जो हैं ऑल ओवर इंडिया, उन्होंने एनजीओ जो बनी मार्टियर्स की, उन्होंने स्टार्ट किया.
हम जितने भी शहीद होते हैं, हम हर साल 10 to 13 मार्टिर फैमिलीज को ऑल ओवर इंडिया से हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं अपने शहर में। हम एक फंक्शन करते हैं डेट 21 फेब को, अच्छा, जिस दिन तुषार जी शहीद हुए थे, हम उनका वो डे कहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो हम उन शहीद मार्टिर फैमिलीज को हैं बुलाते, हमारा भी यूट्यूब पे है चैनल कैप्टन तुषार महाजन 9 पैरा करके, जी तो हम वहाँ पे उनकी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं 3-4 मिनट की, जिसमें उनका छोटा सा एक लाइफ स्पैन दिखाया होता है। हमारा फेसबुक पे भी है चैनल, इंस्टा पे भी है। अब हमारा मकसद यही है उनकी वीडियो बनाने का, क्योंकि कुछ लोग आई हैव सीन, मुझे उस दिन आंसू आ गए थे। ये 2019 की बात है, एक फंक्शन था, हमने करना था अपना फंक्शन। तो जी एक थे राइफल मैन थे शुभम, वो हमारे अधूम जे एंड के एक रिमोट विलेज है, वो वहां के रहने वाले थे। एंड जी व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस, उनके घर पे गोबर का वो जो फर्श था वहां पे गोबर था, एंड देयर वर ओनली 2 रूम्स। और उनकी मदर वो जो बोरी होती है ना, जिसमें जी वो आटे वाले वो बैग्स आते हैं, जी वो उस पे थी, वो बैठे हुए। तो आई वॉज लाइक कि यार, जिस बंदे ने देश के लिए जान दे दी, इससे तो आदमी कुछ नहीं है ना और दे क्या। सकता, जान ही है उसने अपनी दे दी। उसके पेरेंट्स की ये हालत है। एंड जैसे आपने बोला कि मतलब छोटे छोटे एक्टर्स हैं जिनको मतलब बेकार से, उनके इतने फॉलोअर्स हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग, जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप बंगाल से उठ के यहाँ पे हैं आए हुए, जी तो आपके मेरे जैसे और भी कई लोग हैं, दो, वी जरूर आर वेरी फ्यू। वो कहते हैं कि विश्वास रखना चाहिए, टाइम विल कम जब इन सब चीजों में मतलब बदलाव आएगा, और शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आ भी रहा आज के डेट में। जी, हाँ, पहले के कंपेयर में श्योर पहले के कंपैरिजन जी से थोड़ा बहुत, जैसे ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या इन सब पे जब से ये आती रहती जी हैं, आर्मी ऑफिसर्स पे जैसे मूवीज हैं बनती, वेब सीरीज भी आती है बहुत हाँ जैसे वेब सीरीज बनती है, जी जैसे अभी कैप्टन तुषार जी की एक बुक लॉन्च हुई थी, जी बलिदान करके एक बुक लॉन्च हुई, उसमें जी तीन जी चार मार्टियर्स की स्टोरीज है। तो वो बुक बहुत ज्यादा हुई हुई है, सेल हुई है। तो आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रही है, बदलाव तो आहिस्ता आहिस्ता ही आता है, ट्रांजिशन फेज अभी चल रहा है। बट राइट ये कि जैसे हम लोग जो आपस में कुछ लोग हैं, तो हम लोगों को ही एक को 100 लोग करने इकट्ठे, उन 100 को वो आगे करने इकट्ठे, मल्टीपल कर 1000 को 1 लाख, 1 लाख से आगे, तो जी ऐसे हम को लगे रहना है जब तक हम हैं। राइट। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोल्जर को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सोल्जर्स के शहीद होने पे कहते हैं क्या हो गया, पे तो लेता था, सैलरी तो मिलती थी इनको, तो एक उस नजर से देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं। उनके लिए आपका क्या थॉट है, उनको क्या रिप्लाई देना चाहते हैं आप? उन लोगों को मैं रिप्लाई नहीं देना चाहता, क्योंकि उनको मैं किस कैटेगरी का नहीं समझ। देखो, पे लेना इज सेकेंडरी थिंग, जान देना तो मुझे कोई बोल गया मैं तुझे 2 लाख रुपया दे देता हूँ, तो मैं तो नहीं दूंगा ना जाके जान। जी ठीक है, वो पे ले रहे हैं, वो अपनी जो है उनकी ड्यूटी है जो वो उसको कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटी देशभक्ति के साथ लिंक्ड है। राइट अब प्रोफेशन तो मेरा भी है, प्रोफेशन कोई आपका भी होगा, जी बट हम लोग जान तो नहीं ना है दे रहे, जी आपके मेरे प्रोफेशन में वो तो नहीं है, वो इंक्लूड नहीं है वो इंक्लूड तो नहीं है ना, वो पार्ट तो नहीं ना उसका कि हमने राइट जान भी देनी है। जब बात आएगी अपने देश की सुरक्षा की, आई स्टिल रिमेम्बर, मैं एक सूबेदार थे, मैं उनसे मिला, जी तो मैंने उनको ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आपने कारगिल वॉर में पार्टिसिपेट किया? कहते हाँ, मैंने जब किया तो मैं कहते 19-20 साल का था वो, शायद जब हम 19-20 साल के थे, तो हमारी मदर सर्दियों के टाइम हमें ब्लैंकेट से बाहर भी नहीं रात को निकल देती थी कि ठंड बड़ी है बैठ जा। सही बात तो वो 19-20 साल का लड़का कारगिल की चोटी ऊंची ऊंची चोटियों पे है, तो मैंने उसको बोला कि यार जब आप वॉर करते हैं, तो मैंने कहा वो तो पूरे वो मतलब वहां पे तो ट्रीज है नहीं, जी जी वो जो है वो पीक्स थी, तो आप कैसे वहां पे जाते थे? कहते एक बारी हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, कहते हम एक स्टोन था बहुत बड़ा, वो बोल्डर जिसको बोलते हैं, पत्थर हाँ पत्थर जो जी चट्टान टाइप, कहते हम उस बोल्डर के पीछे खड़े थे, तो हमें ऑफिसर का आया कि अब यहाँ से आपने दौड़ना है, तो सामने वाला जो बोल्डर है उसके पीछे छुप जाना है। तो अच्छा कहता मेरे साथी ने बोला यार ये तो पूरी मतलब खाली जगह है, दुश्मन ऊपर बैठा है, गोली चला देंगे, गोली लग गई तो क्या करें, तुम हमें ऑर्डर आया। जी तो कहता मैंने बोला अगर साहब ने सोचा है तो कुछ सोच समझ के ही प्लान होगा उन्होंने बनाया हुआ। राइट
वो ब्लाइंडली फेथ कर रहे हैं आपने मतलब साहब पे कि ऑफिसर्स वो ऑफिसर पे कि अगर उसने प्लान बनाया उसने एग्जीक्यूट करने के लिए बोला है हम तो कुछ सोच समझ के किया होगा। अब वो पे तो ले रहा है लेकिन जब बात देश की आई है तो उसको पे नहीं उस टाइम वो कर रही है, वो उसका नहीं कर रहा है कि मैटर की मुझे पे मिलेगी मुझे गलेंट्री अवार्ड मिलेगा। उस टाइम इसके लिए क्या है इंपॉर्टेंट, अपना देश, उसको अपने देश की जो है प्रोटेक्शन करनी है उस जो हमारा है एनिमी उससे, तो वहां पे तो हम नहीं सुना वो है ना सोचते। तो इन लोगों को जवाब देना इज लाइक वो कहते हैं कि एक बेवकूफ से बात बहस करने का मतलब है कि वहां पे दो हैं, तो मुझे अब बेवकूफ नहीं बनना है तो मैं इन लोगों से ना बहस। तो मैंने बोला कि तुषार महाजन का नाम रेलवे स्टेशन नाम तुषार महाजन के नाम पे जैसे रखा गया होगा तो बहुत लोग कॉन्ट्रोवर्सी करते हैं, फेसबुक पे मुहिम है चलाई हुई, यूट्यूब पे मुहिम है चलाई हुई, तो मैं कभी किसको रिप्लाई नहीं करता। मेरा काम है तुषार महाजन ने जो एक लेगेसी हमारे आगे छोड़ी हुई है देशभक्ति की, मुझे उसको आगे कंटिन्यू करना है टिल जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, इस प्लेनेट पे हूँ, मैं इसको आगे कंटिन्यू करता रहूंगा। और उसके बाद मेरी कोशिश रहेगी कि जो मेरे अगर होंगे आगे बच्चे तो मैं उनको भी बोलूंगा कि चाचू ने जो देशभक्ति की जो मिसाल कायम की है और जो लेगेसी चलाई है तो आप उसको आगे कंटिन्यू करते रहे। हमारे इंडिया में जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी सैलरी ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीस होती है। जजेस की देख लो, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी देख लो, उनको जो फैसिलिटीज मिली हुई है वो देख लो, तो जमीन आसमान का फर्क है बहुत बहुत। तो इसमें तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि उन लोगों को अगर आप देखिए तो जो पीएम की सैलरी लगभग 2 लाख रुपए, जो नॉर्मल सीएम होते हैं जो एमपी एमएलए बन जाते हैं उनको पेंशन लाइफ टाइम, टेलीफोन फ्री है, गाड़ी का हर चीज, पेट्रोल फ्री है, चारे सब कुछ। अगर एक कोई पॉलिटिशियन कहीं जाता है उसके आगे पीछे 50 गाड़ियां जाती है जी बिल्कुल, वो सब पेट्रोल का पैसा किसका है, हमारा और आपका ही है, टैक्सपेयर्स का। टैक्स तो देना नहीं है पॉलिटिशियन को, सैलरी लेना है लाखों में जी बिल्कुल। तो इसको आप मतलब क्या सोच रहे हैं, ये कहां जा रही है हमारी कंट्री? नहीं चेंज होनी चाहिए। मैं एक मेजर जनरल से मिला था, वो भी 9 पैरा से ही है, वो तब के हैं जब 9 पैरा बनी थी, वो उस टाइम के फर्स्ट ऑफिसर्स हैं। तो अभी मैं नाम नहीं उनका लेना चाहूंगा, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो अभी यूएसए में है, वो वहां पे ही है, शिफ्ट हो गए हैं। तो उन्होंने बताया कि जब मैं बाई ईयर आ रहा था वहां पे कहीं शिकागो से कहीं वो थे जा रहे, जब वहां पे पता चला कि वो एक आर्मी वेटरन है तो एयर होस्टेस ने वहां पे अनाउंसमेंट की कि एक आर्मी वेटरन हमारे बीच में है, तो वो यूएस आर्मी के नहीं थे, वो इंडियन आर्मी के थे। बट जब उन लोगों को पता चला कि आर्मी वेटरन हमारे बीच में है, बेशक जिस मर्जी देश के हैं, इन यूएसए, हाँ इन यूएसए, वो सब खड़े हुए और उन्होंने क्लैप्स किया उनके लिए, तो वो देशभक्ति की भावना हमारे देश में अभी नहीं है और हमें कोशिश करनी है। अब जो ओल्ड हो गए हैं उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं जी। तो जो हमारी जनरेशन है या जो हमारी आने वाली है जनरेशन, हमें कोशिश करनी है हम कुछ लोगों में चेंज लाएं जी। सर जरूर, क्यों नहीं।